लिंगार्चन विधि का वर्णन। शैल आदि बोले, अब मैं तुमसे संक्षेप में लिंग की पूजा की विधि कहूँगा, क्योंकि विस्तार से तो 100 वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऊपर बताई विधि से स्नान आदि करके पूजा के स्थान में प्रवेश करें तथा 3 प्राणायाम करके त्र्यंबक भगवान का ध्यान करें। 5 मुख वाले, 10 पैर वाले, शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत, सब प्रकार के भूषणों से युक्त, चित्रित वस्त्रों से विभूषित हैं, ऐसा ध्यान करें। ऐसे शिव के शरीर में आस्था रखकर परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। देह की शुद्धि करके मूल मंत्र से न्यास करें और सर्वत्र प्रणव से यथाक्रम न्यास करें। ओम नमः शिवाय में सभी मंत्र छिपे हैं, जैसे बड़ के गूलर में संपूर्ण बड़ का पेड़ छिपा है और महत तत्वों में जैसे ब्रह्म स्थित है। गंध और चंदन के जल से पूजा स्थान को छिड़के और द्रव्यों को धो पोंछकर साफ करें। यह सब ओमकार मंत्र से ही करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र तथा आचमनीय पात्र भी क्रम से रखें। दाम से आच्छादित कर शुद्ध जल से साफ कर उनमें शीतल जल भरें। प्रणव के द्वारा ही पाद्य के पात्र में खस और चंदन डालें। जाति कंकोल, कपूर, तमाल को चूर्ण करके आचमनीय पात्र में डालें। इस प्रकार सब पात्रों में चंदन, कपूर तथा अनेकों प्रकार के पुष्प डालें। कुशाग्र, चावल, जौ और भस्म प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में डालें। पंचाक्षर अथवा रुद्र गायत्री का न्यास करें अथवा केवल प्रणव का ही करें। प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में स्थित डकों से न्यास करें। देवाधिदेव के पास में नंदी का तथा दीप्त अग्नि के समान चमकते हुए 3 नेत्र वाले, बाल चंद्रमा धारण करने वाले, संपूर्ण आभरणों से भूषित सौम्य रूप शिव जी की पूजा करें तथा भक्ति से पुष्पांजलि दें। विविध प्रकार की धूप गंध से शंकर का पूजन करके स्कंध, विनायक और देवी का पूजन करें तथा लिंग शुद्धि करें। प्रणव आदि से नमः तक पूरे मंत्र का जप करें। पद्म का आसन दें। पूर्व दल में प्रथम आणिमा सिद्धि, दक्षिण में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, प्राकाम्य नैरुत में ईशत्व वायवय वशित्व सिद्धि स्थापित करें। कली को सोम कहते हैं। सोम के नीचे सूर्य, उसके नीचे पावक स्थापित करें। धर्मादिकों को विच शापों में, अव्यक्त आदि को चारों दिशाओं में, सोम के अंत में 3 गुणों को उसके समीप में शिव का आसन स्थापित करके वामदेव मंत्र से सद्योजात शिव को आसन पर रुद्र गायत्री के समीप में स्थापित करें। अघोर मंत्र से रुद्र गायत्री की प्रतिष्ठा करें। ईशानः सर्व विधानाम इस मंत्र से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन प्रदान करें। गंध चंदन युक्त जल से रुद्र को स्नान करावें। पंचगव्य विधान से बनाकर प्रणव द्वारा यथाविधि स्नान करावें। घी, मधु, शक्कर से स्नान करावें। प्रणव से अभिषेक करें। पवित्र पात्रों से शुद्ध जल से मंत्र बोलकर स्नान करावें। इस प्रकार सफेद शुद्ध वस्त्र से उनका अंग पोंछे, जाति, चंपक, कपूर, कनेर तथा चमेली, कदम के पुष्पों की सुंदर माला पहनावे। जल से सद्योजात आदि मंत्रों से न्यास करें। सोने के या चांदी के कलश से अथवा तांबा के पत्र से, कमल पत्र या पलाश पत्र से, या शंख से या मिट्टी के पात्र से दाम सहित तथा पुष्प सहित मंत्र युक्त होकर शिव को स्नान कराना चाहिए। उन मंत्रों को मैं तुम्हें बताता हूँ। इन मंत्रों से एक बार भी लिंग को स्नान कराकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पवमान, वामकेन, रुद्र, नील रूप, श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, चमक, होतार, अथर्व, शांति अथवा अरुण, वारुण, वेदव्रत तथा पुरुष सूक्त से वे त्वरित रुद्र से कपि, कपर्दी, सगम्य, बृहद्रचंद्र, विस्पाक्ष, स्कंद, शतृक्षिव, पंच ब्रह्म सूक्त से अथवा केवल प्रणव से ही शिव देवाधि देव का स्नान करावे
तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उन्हें देकर आचमन करावे, गंध, पुष्प, धूप, दीप क्रम से अर्पण करे तथा सुगंधित जल से आचमन करावे। मुकुट, छत्र, भूषण भी प्रणव के द्वारा देव को अर्पण करे। तांबूल भी प्रणव से दे, फिर स्फटिक मणि से सदृश निष्कलंक सर्व देवों के कारण सर्व लोकमय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि तथा ऋषि गणों के अगोचर, वेद वेदज्ञों के भी अगोचर आदि अंत से रहित संसार रोग के औषध ऐसा शिव तत्व प्रसिद्ध है, जो शिव लिंग में अवस्थित है। प्रणव के द्वारा लिंग की मूर्धा पर पूजा करें, स्तोत्र का जप करें और विधि पूर्वक नमस्कार करें, प्रदक्षिणा करें, विधि पूर्वक पुष्पों को चरणों में बिखेर कर देवेश का आत्मा में आरोप करें। इस प्रकार संक्षेप में लिंगार्चन विधि मैंने कही। इसके बाद भीतरी लिंग पूजा भी आपसे कहूंगा। शिव की भीतरी पूजा का वर्णन। शैल आदि कहने लगे, अग्नि रूप, सूर्य रूप, अमृत और बिंब तथा त्रिगुणात्मक प्रभु का रूप हृदय में धारण कर उसके ऊपर निष्कलंक सर्व स्वरूप अर्ध नारीश्वर शिव का ध्यान पूजन करना चाहिए। ध्यान के द्वारा ध्येय परमेश्वर का ध्याता पूजन करें, अन्यथा पुरुष का बोध नहीं हो सकता। पुर अर्थात देह में शयन करने के कारण उस ब्रह्म को पुरुष कहा गया है और पूजन करने योग्य का यज्ञ द्वारा पूजन करने वाला यजमान कहा जाता है। ध्येय महेश्वर है, चिंतन ध्यान है, निवृत्ति फल है। यथार्थ रूप से प्रधान पुरुष ईशान की प्राप्ति होती है। 26 प्रकार का ध्येय और 25 प्रकार का ध्याता, 14 प्रकार के अव्यक्त और 7 प्रकार के महतादि कहे हैं। महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन पंच भूत तथा 26वां शिव है। यही ध्येय है, यही ब्रह्मा का भी कर्ता तथा भर्ता है। हिरण्यगर्भ को रुद्र ने ही जाना है। महेश्वर ही विश्वात्मा विश्व रूप है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र नहीं होते, वैसे ही महेश्वर के बिना तीनों जगत होते नहीं। सनत कुमार बोले कि यदि परमात्मा महादेव करता है तो कराने वाला भी वही है। नित्य शुद्ध परमेश्वर ही मुक्ति दाता तुमने कहा है। शैलादि ने कहा, काल ही सब कुछ करता है, काल को भी करण करने वाला निष्कल है, उसके कर्म से ही जगत प्रतिष्ठित है। देव देव महेश्वर की अष्टमूर्ति यह सब जगत है। बिना आकाश के जगत नहीं, बिना पृथ्वी के भी नहीं, बिना आयु के, जल के, तेज के बिना, यजमान के बिना सूर्य और चंद्रमा के बिना जगत नहीं। सो यह सब उसके शरीर हैं। विचार से सब चराचर स्थूल जगत शिव का ही रूप है। सूक्ष्म रूप का वर्णन करने में तो मन वाणी भी थक कर लौट आती है, अर्थात वर्णन नहीं कर सकती। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से नहीं डरता। शिव के आनंद को जानकर निर्भय होना चाहिए। रुद्र की विभूतियों को सर्वत्र जानकर यह सब रुद्र है ऐसा तत्वदर्शी मुनि कहते हैं। सर्व ब्रह्म का हेतु तथा मोक्ष का हेतु आनंद है। सो रुद्र के विषय में सुनिष्ठा रौद्री कहती है, इसी प्रकार इंद्र में ऐन्द्री, सोम में सोम्या, नारायण में नारायणी तथा सूर्य और अग्नि में जाननी चाहिए। हे विप्रो, यह चराचर ब्रह्ममय है। इसको जानकर चराचर विभाग त्याज्य, ग्राह्य, कृत्य, अकृत्य सब त्याग देना चाहिए। जिसकी ऐसी स्थिति होती है उसी तृप्तात्मा की ब्राह्मी स्थिति है, अन्यथा नहीं। सो इस प्रकार अभ्यंतर आर्चन मैंने तुमसे कहा। अभ्यंतर आर्चक नमस्कार आदि से सदा पूजनीय है, चाहे वे विरूप विकृत कैसे भी हो, निंदनीय नहीं, वे ब्रह्मवादी हैं। विशेषज्ञों को भी अभ्यंतर पूजा की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाले दुखी होते हैं, जैसे दारू वन में रुद्र की निंदा करने वाले मुनि दुखी हुए थे। इससे ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार करना चाहिए। श्वेत मुनि द्वारा मृत्यु पर जय पाना। सनत कुमार बोले, हे विभो,
दारुवन स्थित तपस्वियों का जो वृत्तांत है उसे सुनने की हमारी इच्छा है। दारुवन में प्राप्त भगवान नील लोहित ब्रह्मचारी दिगंबर रूप से प्राप्त हुए, सो वृत्तांत कहिए। सूत जी बोले, सनत कुमार के ऐसे वचन सुनकर शैलादि बोले, मुनि लोग स्त्री पुत्र और अग्नि सहित देव देव महादेव के प्रसन्नार्थ दारुवन में घोर तप कर रहे थे। तब प्रसन्न हुए जगन्नाथ वृषभ ध्वज प्रवृत्ति लक्षण ज्ञान जानने के लिए, निवृत्ति लक्षण ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए, दारुवन वासी मुनियों की परीक्षा से लीला करने के लिए विकट रूप बनाकर दिगंबर तीन नेत्र दो हाथ कृष्ण शरीर वाले होकर दारुवन में गए और वहाँ मंद मंद मुस्कान से स्त्रियों में कामदेव की उत्पत्ति कराने, गान तथा भ्रू विलास करने लगे। कामदेव को नाश करने वाले शंकर जी मधुर आकृति वाले उस नारी समूहों में काम वृद्धि करने लगे। वन में उस विकृत मूर्ति को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी उन नील लोहित शंकर जी के पीछे पीछे चलने लगी और उनकी पर्णशाला के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। भगवान शंकर के मुख से हंसने की चेष्टा से वे सभी ऐसी चेतनाहीन होने लगी कि उनके वस्त्र भूषण गिरने पर भी ध्यान नहीं था। कोई स्त्री शिव को देखकर घूम रही थी और कोई भौहों को चढ़ा चढ़ाकर विलास करने लगी। कोई नारी जिसके वस्त्र तथा कौंधनी गिर गई है हंसती हुई गान करने लगी। कोई जिनके नवीन वस्त्र गिर रहे हैं अपने कंकणों को विचित्र विचित्र बजाकर गान करने लगी। कोई गा रही है, कोई नाच रही है, कोई धरातल पर गिर पड़ी, कोई हाथी की तरह बैठ गई, परस्पर हंसती हुई आलिंगन करती हुई शंकर के मार्ग को रोकती अति निपुणता करने लगी। कोई पूछने लगी, आप कौन हैं? कोई बोली, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? प्रसन्न चित से कहने लगी, हम पर ही प्रसन्न हो जाइए। शंकर जी उनके वचन सुनकर शुभ अशुभ कुछ भी नहीं बोले। तब उनके पति मुनीश्वर अपनी स्त्रियों को व्याकुल देखकर तथा शंकर जी को देखकर कठोर वचन बोलने लगे। उनका तप शंकर के आने पर इस प्रकार अस्त हो गया जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश में तारे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सुना जाता है कि ऋषि के शाप से ब्रह्मा का यज्ञ नाश हो गया था और भृगु के शाप से विष्णु को भी 10 बार अपना शरीर धारण करना पड़ा था। गौतम के शाप से इंद्र के वृषण हो गए थे। ऋषियों के शाप से वसुओं का गर्भ में वास हुआ। ऋषियों के ही शाप से राजा नहुष सर्प योनि को प्राप्त हुआ। हरि भगवान का निवास स्थान क्षीर सागर भी ब्राह्मणों ने अपेय कर दिया, परंतु बाद में भगवान हरि ने काशी में भगवान शंकर को दूध और अमृत से स्नान कराकर मुनि और ब्रह्मा के साथ उनको अभिषेक किया और क्षीर सागर को पूर्ववत कराया। मांडव्य ऋषि ने धर्म को श्राप दिया तथा दुर्वासा ने कृष्ण जी सहित यादवों को भी श्राप दिया। राम को अनुज सहित दुर्वासा का श्राप हुआ। इस प्रकार ये तथा अन्य बहुत से राजा ब्राह्मणों के वश में होंगे, परंतु शिव किसी के वश में नहीं हुए। इस प्रकार वे ब्राह्मण शंकर की माया से वशीभूत होकर शंकर जी को न जानकर कठोर वचन बोलने लगे। तब उसी क्षण शंकर जी अंतर ध्यान हो गए, ब्राह्मण भयभीत चित्त वाले हो गए तथा दारुवन से ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें दारुवन का सब वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा क्षण मात्र ध्यान कर उठकर हाथ जोड़ शिव को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम भाग्यहीन हो जो अति उत्तम निधि को प्राप्त कर त्याग दिया। दारुवन में जो लिंगी विकृत आकार का आप लोगों ने देखा वह साक्षात परमेश्वर शिव ही था। गृहस्थों को अतिथियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे स्वरूप हो या कुरूप हो, चाहे वे मलिन हो और अपंडित हो। पूर्व में सुदर्शन नामक ब्राह्मण ने अतिथि पूजा से ही काल को जीत लिया था। गृहस्थों के भूमि पर अतिथि पूजन के सिवाय तारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन ने पूर्व प्रतिज्ञा की और अपनी भार्या से कहा, हे सुभगे, हे सुव्रते, मेरे वचन सुनकर तुझको घर पर आए अतिथियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सभी अतिथि शिव रूप ही हैं।
इससे अपने शरीर को भी समर्पण करके अतिथि पूजा करनी चाहिए। भार्या पतिव्रता थी, पति की आज्ञा शिरोधार्य कर अतिथि सेवा करती रही। एक दिन साक्षात धर्म ही उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने को ब्राह्मण रूप धरकर उनके घर पर आया। उस ब्राह्मणी ने पूजा की सब सामग्री से उस विप्र का पूजन भली प्रकार किया। भली प्रकार पूजा गया वह ब्राह्मण उस सुदर्शन की पत्नी से बोला, हे भद्रे, अन्न आदि सामग्री की आवश्यकता नहीं, तू अपना शरीर ही अर्पण कर दे। लज्जा से युक्त वह पतिव्रता पति की आज्ञा का ध्यान करके नेत्र मूंद कर उसके पास चली और अपना शरीर उस ब्राह्मण को निवेदन कर दिया। उसी समय उसका पति सुदर्शन द्वार पर आया और बोला, हे सुभद्रे, आओ, कहाँ गई हो? तब उस समय वह अतिथि बोला, हे सुदर्शन, तुम्हारी भार्या के साथ मैं मैथुन में लिप्त हूँ। हे विप्र, सुरत के अंत में मैं संतुष्ट होऊंगा। सुदर्शन बोला, हे विप्र, यथा कामना इसका भोग करो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा सुनकर धर्मराज ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप दिखाया और इच्छित वरदान देकर बोले, हे विप्रेंद्र, यह सुशोभना मैंने मन से भी नहीं भोगी, इसमें तुम संदेह मत करो, मैं तुम्हारी श्रद्धा जानने के लिए ही यहाँ आया था। इस तरह के धर्म से तुमने मृत्यु को भी जीत लिया है, अहो तप का कैसा प्रभाव है। ऐसा कहकर धर्मराज चले गए। इसलिए हे भाग्यहीन ब्राह्मणों, अतिथि सब प्रकार से पूजनीय होता है। तुमने अतिथि रूप शंकर का अपमान किया है, उन्हीं की शरण में जाओ। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर वे ब्राह्मण बोले, हे महाभाव, हमने जीवन की अपेक्षा न करके शिव के दर्शन किए और अनिंद्य शिव की निंदा की और श्राप भी दिया, पर श्राप की शक्ति हमारी उनके दर्शन मात्र से कुंठित हो गई। अब हमको क्रम से सन्यास का उपदेश करो, तब हम देव देव शिव के दर्शन कर सकेंगे। ब्रह्मा जी बोले, पहले गुरु द्वारा 12 वर्ष तक वेदाध्ययन करके, फिर अर्थ विचार कर, धर्म का ज्ञान करके स्त्री की प्राप्ति करे, श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करके और उन पुत्रों को अनुकूलित वृत्ति में लगाकर अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर भगवान का पूजन करके वन में जाकर 12 वर्ष, 1 मास अथवा 12 दिन तक मुनि दूध पान करता हुआ अग्नि में सब देवों का पूजन करके मंत्र द्वारा यज्ञ पात्रों को भी अग्नि में हवन कर दे, मिट्टी के पात्रों को जल में त्याग, धातु के पात्रों को गुरु को अर्पण कर दे, धन से ब्राह्मणों को दान दे, तब गुरु को प्रणाम कर मुनि को सन्यास धारण करना चाहिए, चोटी सहित केशों को त्याग दे, यज्ञोपवीत भी त्याग कर दे, भू स्वाहा इत्यादि मंत्र से 5 आहुति जल में छोड़कर इसके बाद वह यति शिव रूप हो मुक्ति का विचार करे, व्रत करके जल पीकर पर्णावृत्ति द्वारा, दूध द्वारा अथवा फल द्वारा जीवन बिताता हुआ 1 वर्ष या 6 मास होने पर प्रस्थान करता चलाचल शरीर का अंत करके शिव सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार की भक्ति से शिव भक्त शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र के भक्त को दान से, शुभ व्रतों से, यज्ञों से, विविध प्रकार के होमों से, अनेक प्रकार के शास्त्रों और वेदाध्ययन से क्या प्रयोजन है। महात्मा श्वेत ने तो भक्ति के द्वारा ही मृत्यु को जीत लिया था। ऐसी ही भक्ति परमात्मा शंकर में तुम सबकी ही हो। श्वेत मुनि की कथा। शैलादि बोले, ब्रह्मा ने जब ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा तो उन्होंने श्वेत की पुण्य कथा को पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, श्वेत नाम के मुनि पर्वत के गुफा में नमस्ते रुद्र मन्येव इस रुद्राष्टाध्यायी से शिव की स्तुति करने लगे। महातेजस्वी काल श्वेत मुनि को लेने के लिए उसके पास आया। श्वेत इस काल को देखकर शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। त्र्यंबक, सुगंधी, पुष्टिवर्धन इत्यादि नामों से शिव को पुकार कर कहने लगे कि मृत्यु मेरा क्या कर सकता है, मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूँ। यह देखकर काल बोला, हे श्वेत, आ आ, इस पूजा से कुछ फल नहीं होगा। रुद्र विष्णु कोई भी मेरे द्वारा पकड़े हुए तुझको अब बचा नहीं सकता।
जिसको लेने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ उसको क्षण मात्र में यमलोक को पहुंचा देता हूँ। अब तू आयु रहित है और मैं तुझे लेने को आया हूँ, तैयार खड़ा हूँ। उसके इस प्रकार भयंकर वचन सुनकर हा रुद्र हा रुद्र इस प्रकार कह के मुनि विलाप करने लगा। महादेव को और काल को देखकर श्वेत मुनि बोला, हे काल, तू मेरा क्या कर सकता है? यह मेरे नाथ वृषभ ध्वज है, इस लिंग में सर्वदेव में शंकर मौजूद है, मुझ जैसे शिव भक्तों का तू क्या कर सकता है? जैसा तू आया है वैसा ही चला जा। तीक्ष्ण दाढ़ वाले भयंकर काल ने श्वेत मुनि के ऐसे वचन सुनकर पाश हाथ में लेकर सिंह की तरह गर्जना करके मुनि को पाश में बांध लिया और बोला, हे श्वेत, तुझे यमलोक को ले जाने के लिए मैंने पाश में बांध लिया। तेरे देव रुद्र ने क्या किया? तेरी भक्ति और पूजा ने क्या फल दिया? इस लिंग में स्थित रुद्र बिना चेष्टा वाला है, कैसे पूजनीय है? फिर सदाशिव उस द्विज को मारने के लिए आए हुए इस काल को देखकर हंसते हुए और तीन रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर काल ने भय से क्षण मात्र में ही जीवित मुनि को छोड़ दिया और मुनि के समीप में ही ऊंचे स्वर से शब्द करता हुआ गिर पड़ा और काल के भी काल शिव को देखकर स्वयं मर गया। देवगण ऊंचे स्वर से महेश्वर अम्बा की स्तुति करने लगे तथा शिव की मूर्धा पर फूलों की वर्षा करने लगे। काल को मरा हुआ देखकर विस्मित हुए शैलादी ने शंकर को प्रणाम किया। शंकर भगवान भी ब्राह्मण पर अनुग्रह करके तथा काल को भस्म करके क्षण मात्र में अपने गूढ़ शरीर में प्रवेश कर गए। इसलिए हे ब्राह्मणों, मृत्युंजय शंकर की पूजा करनी चाहिए, वे कलयुग में सबको भक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, अधिक क्या कहूँ? संन्यास धारण करके शिव का भक्ति सहित पूजन करके शोक रहित हो जाओगे। शैल आदि बोले, ब्रह्मा से इस प्रकार कहे गए वे ब्राह्मण पूछने लगे, किस तप से, किस यज्ञ से, किस व्रत से शिव में भक्ति होती है? ब्रह्मा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, न दान से, न तप से, न व्रतों से, न योग शास्त्रों से भक्ति होती है, किंतु भगवान की प्रसन्नता से भक्ति होती है। यह सुनकर मुनि लोग बड़े प्रसन्न हुए तथा स्त्री पुत्रों सहित ब्रह्मा को प्रणाम किया। इस प्रकार पशुपति की भक्ति धर्म अर्थ काम के देने वाली है, विजय देने वाली मृत्यु से जय प्रदान करने वाली है। पहले दधीची शिव भक्ति से देवताओं के साथ हरि को जीतकर क्षुभ को पैर से मारता हुआ और वज्र के लिए अस्थि को प्राप्त किया। अतः गत आयु श्वेत मुनि ने भी महादेव की कृपा से मृत्यु को जीत लिया था। मुनि कृत शिव स्तोत्र। सनत कुमार बोले, शिव की कृपा से देव दारू वन में रहने वाले मुनीश्वर शिव की शरण में प्राप्त हुए, वह हमसे कहो। शैल आदि बोले, ब्रह्मा जी उन ऋषियों से कहने लगे। ब्रह्मा बोले कि महेश्वर ही जानने योग्य है, उनसे परे और कोई नहीं है। देवता ऋषि पितरीश्वरों के स्वामी वही है। सहस्त्र युग पर्यंत प्राणियों की प्रलय में काल रूप हो सबका संहार करते हैं, वही प्रजा की रचना करते हैं। वही श्री वत्स आदि लक्षणों से युक्त विष्णु हो सबका पालन करते हैं। वही सतयुग में योगी रूप में, त्रेता में यज्ञ रूप में, द्वापर में कालग्नि रूप में, धर्म केतु रूप में अवतरित होते हैं। पंडित लोग उसका ही ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उसी ब्रह्म की मूर्ति कही गई है। ब्राह्मण क्रोध रहित हो इंद्रियों को वश में करके उसकी आराधना करते हैं, यथा योग्य सर्व लक्षणों से युक्त लिंग का पूजन करते हैं। ब्राह्मण वेदी पर स्थापित स्वर्णमयी रजतमयी स्फटिकमयी ताम्रमयी शैलमयी चतुर्कोणमयी वर्तुलाकार त्रिकोणमयी आदि की स्थापना करके कलश युक्त उसकी पूजा करते हैं। सुवर्ण सहित बीज मंत्र से या वेद मंत्रों सहित पांचा पवित्रियों से शिव लिंग का अभिषेक करते हैं। हे ऋषियों, समाहित चित्त होकर भाई बंधु पुत्रों के सहित शूरपाणी शिव का पूजन करो तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तब देव का दर्शन प्राप्त होगा। उसके दर्शन से
सब अज्ञान और अधर्म का नाश हो जाएगा। ऐसा सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा की परिक्रमा की और शिव की आराधना के लिए देव दारु वन में चले गए। वहाँ विचित्र गुफाओं में, नदियों के तट पर, कोई जल पर, कोई आकाश में, कोई अंगूठे पर ही खड़े होकर, कोई वीरासन से, कोई मृगचर्या से घूमकर सबने एक वर्ष तक तपस्या की। तब वर्ष के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कृतयुग में हिमालय पर प्रसन्न होकर भस्म शरीर में लगाए हुए नग्न विकृति आकार वाले उल्का हाथ से लेकर लाल पीले नेत्र युक्त हंसते गाते नाचते आश्रमों में भीख मांगते हुए माया रूपी शिव प्रकट हुए। तब मुनि स्तुति करने लगे और गंध पुष्प मालाओं से जल से पूछकर स्त्री पुत्रों सहित ये ब्राह्मण शिव से बोले, हे देवेश, कर्म मन वाणी से जो कुछ भी आपका अज्ञान से अपमान हुआ उसे क्षमा कीजिए। आपके चरित्र ब्रह्मादि से भी दुर्जय हैं, जो हो सो हो आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान की स्तुति करने लगे, हे भव रूप भव्य रूप भूतों के पति आपको नमस्कार है। संहार करने वाले अव्यय व्यय गंगा जल धारण करने वाले त्रिशूल वाले कामदेव को जलाने वाले अग्नि स्वरूप गणपति शत जीव वाले आपको नमस्कार है। स्थावर जंगम रूप सब जगत आपसे ही उत्पन्न होता है, आप ही इसका पालन और संहार करते हो। हे भगवान प्रसन्न होइए। ज्ञान या अज्ञान पूर्वक जो भी मनुष्य कुछ करता है वह सब आपकी माया है। इस प्रकार परम प्रसन्न आत्माओं से मुनियों ने शिव की स्तुति की और तब से युक्त हम आपको पहले रूप में ही देखें ऐसी याचना की। तब प्रसन्न होकर भगवान ने उनका सुंदर त्र्यंबक रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके दारुवन वाले मुनियों ने शिव के दर्शन प्राप्त किए और अपरा स्तुति की। शिव की अपरा स्तुति। ऋषि बोले, हे दिगंबर, हे नित्य, हे कृतान, हे शूलपाणी, हे विकट, हे कराल, हे भयंकर मुख वाले, हे प्रभो, आपको नमस्कार है। आपका कोई रूप नहीं, फिर भी आप सुंदर रूप वाले हो। हे विश्व रूप, आपको नमस्कार है। हे रुद्र, आप ही स्वाहाकार हो, आपको नमस्कार है। सभी देहधारियों के आप रक्षक हो और स्वयं ही प्राणियों की आत्मा हो। हे नीलकंठ, हे नील शिखंड, हे अंगों में भस्म लगाने वाले, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है। हे सर्व प्राणियों के आत्मा रूप, आपको सांख्य शास्त्र पुरुष कहकर उच्चारण करता है। पर्वतों में आप मेरु पर्वत हो, नक्षत्रों में आप चंद्रमा हो, ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवताओं में वासव हो, वेदों में ओमकार हो, जंगली पशुओं में हे परमेश्वर आप सिंह है, और हे लोक पूजित प्रभो, ग्रामीण पशुओं में आप बैल रूप हो। वर्तमान में भी आप जिस जिस रूप में होंगे उन उन स्वरूपों को भी हम सब देखें, जैसा कि ब्रह्मा जी ने आपको बताया है। काम क्रोध लोभ मोह विषाद आदि से रहित आपको नमस्कार है। आप संहार के समय जिस अग्नि को प्रकट करते हो उस विकृत अग्नि से ही समस्त विश्व भस्म होता है और उसी की सभी लोग अर्चना करते हैं। उसी अग्नि से काम क्रोध लोभाधिक उपद्रव तथा स्थावर जंगम आदि सभी प्राणी मात्र जल जाता है। उस कालग्नि को हम नमस्कार करते हैं। हे सुरेश्वर, आप उस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभ देखने वाले, लोक हित के लिए सभी प्राणियों की रक्षा कीजिए। हे प्रभो, हमको आज्ञा प्रदान कीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। करोड़ों प्राणियों के मध्य करोड़ों रूपों में भी आपको नहीं पहचाना जा सकता, अतः हे देव देव आपको नमस्कार है। पूजा से प्रसन्न हुए शिवजी के द्वारा यति निंदा का निषेध। नंदीश्वर बोले, मुनीश्वरों की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए महेश्वर उनसे इस प्रकार कहने लगे, आप लोगों द्वारा स्तुति से जो मेरा कीर्तन करता है या इस तवन को सुनता है, हे मुनीश्वरों, वह मुझ गणपति को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों,
मैं भक्तों के लिए हितकारी तथा पुण्य वचन कहता हूँ। समस्त विश्व में जो स्त्रीलिंग है वह मेरे शरीर से उत्पन्न देवी स्वरूप है और जो पुलिंग है वह सब मेरा ही स्वरूप है। दोनों के बीच मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। हे विप्रो, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। हे मुनियों, भस्म लगाए बालकों के समान उन्मत्त ब्रह्मवादी यति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म लगाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जितेंद्री ध्यान परायण ब्रह्मवादी होकर वे महादेव में ही निरत रहते हैं। वाणी मन तथा शरीर से वे महादेव की ही अर्चना करते रहते हैं। अंत में वे रुद्रलोक को प्राप्त करते हैं तथा पुनः लौटते नहीं। इसलिए अव्यक्त और व्यक्त रूप लिंग में सदा तत्पर व्रति भस्म लगाए हुए सिर मुड़ाए हुए इन यति लोगों की जो स्वयं ही विश्व रूप है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए तथा उनकी किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनको देखकर जो हंसता है या अधिक बोलता है वह मूढ़ महादेव की निंदा करता है और जो नित्य इनकी पूजा करता है वह मुझ शंकर जी की ही पूजा करता है। इस प्रकार से महादेव जी संसार के हित की कामना से युग युग में भस्म लगाए हुए क्रीड़ा करते रहते हैं। इस अतुल महाभय को नाश करने वाले शिव के परम पद को जानकर शिर से शिव को नमस्कार करते हैं वे संसार में मोह चिंता आदि से छूट जाते हैं। अतः ये सुनकर सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर सुगंधित जल से शुद्ध कुशा और धूप और पुष्प से मिश्रित जल से भरे हुए बड़े बड़े घड़ों के द्वारा शिव को अनेकों स्वर सहित मंत्रों से अभिषेक कराया है। हे महादेव, हे देवाधिदेव, काले मृग का चर्म धारण करने वाले, अर्ध नारीश्वर सर्प का जनेऊ पहनने वाले, विचित्र कुंडल माला आभूषण धारण करने वाले, हे शंकर जी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वर से स्तुति करने लगे। तब मुनीश्वरों से उत्पन्न हुए महादेव जी बोले, हे मुनियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब सभी मुनि लोग महेश्वर को प्रणाम करने लगे। भृगु, अंगीरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अणि, सुकेश, उलस्त्य, पुलह, ऋतु, मरीचि, कश्यप, कणव, संवर्त आदि सभी मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, आप सेव्य हैं तथा असेव्य भी हैं। ऐसा यह स्वरूप क्या है, इसको जानने की हमारी इच्छा है। उनकी इस प्रकार की वाणी को सुनकर परमेश्वर भगवान हंसते हुए उनसे निम्न प्रकार कहने लगे। योगियों की प्रशंसा का वर्णन। श्री भगवान बोले, बार बार अग्नि के द्वारा यह स्थार जंगम संसार जलाया गया, तब यह उत्तम भस्म बन गया। भस्म के द्वारा मैं वीर्य धारण करके प्राणियों का सिंचन करता हूँ। अग्नि कार्य करके जो मेरे वीर्य रूपी भस्म से त्रियांशु इत्यादि मंत्रों से भस्म धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भासित होने, शिव को पैदा करने से और पापों का भक्षण करने से भस्म कहते हैं। कुशंपा पितरीश्वर होते हैं, देवता अमृत पीने वाले हैं, अग्नि सोम रूप है, मैं महातेजस्वी अग्नि हूँ और सोम रूपी अंबिका है, मैं पुरुष रूप हूँ और सोम प्रकृति है, इसलिए भस्म मेरा वीर्य कहलाता है। अपने वीर्य को मैं शरीर में धारण करता हूँ, लोक में रक्षा के लिए, अशुभ को नाश करने के लिए, गृहों में सूतिका आदि की रक्षा करता हूँ। जो जितेंद्रिय पुरुष मेरे भस्म से स्नान करते हैं और वो मेरे पास आते हैं और संसार में नहीं लौटते, यह पाशुपत व्रत कपिल योग कहा है। शेष आश्रमियों को पीछे शंभु ने रचा है। लज्जा, मोह, भय आदि वाली इस सृष्टि को मैंने ही रचा है। देवता मुनि सभी नग्न उत्पन्न होते हैं। संसार में सभी मनुष्य भी बिना कर्ण के पैदा होते हैं। वस्त्र से ढका हुआ आदमी यदि जितेंद्रिय नहीं है तो वह नग्न ही है। जितेंद्रिय पुरुष वस्त्र बिना भी नंगा नहीं है, क्योंकि वस्त्र कारण नहीं है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, वैराग्य या कामना की तुल्यता ही उत्तम वस्त्र है। भस्म के स्नान से लिप्त है मन जिसका, ऐसा शिव का ध्यान करता है, उसके हजारों अकार्य भी भस्म हो जाते हैं।
जैसे अग्नि अपने तेज से वन को जलाती है, उसी प्रकार भस्म सभी पापों को जलाती है। इसलिए तीनों काल में जो भस्म से स्नान करता है, वह शिव की गाणपत्य पदवी को पाता है। जो भस्म लगाकर ध्यान करता है, वह उत्तर मार्ग से आर्य लोगों के उत्तम वाम अमृतम को पाता है। जो दक्षिण मार्ग का आश्रय करके शमशान का सेवन करते हैं, वह अणिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इंद्रादिक देवता कामिक व्रत को करने से ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। अतः मद मोह को त्याग, राग द्वेष रजोगुण तमोगुण से रहित पाशुपत व्रत को धारण करना चाहिए। पाशुपत व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। जो शुद्ध होकर जितेंद्रिय होकर इसको पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक को प्राप्त होता है। वे सब वशिष्ठ आदि मुनीश्वर यह सुनकर भस्म से सफेद शरीर वाले होकर कल्पांत तक रुद्र लोक में निवास करते रहे। इसलिए योगी लोग विकृतांग हो, मलिन हो या रूप वाले हो, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए बल्कि पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिव के भक्त शिव के समान ही पूज्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। दधीची जैसे देव देव नारायण को जीतकर शिव की भक्ति से मुक्त हो गया था, इसलिए सब प्रकार से भस्म से दिव्य शरीर वाले मुनि लोग, चाहे वे जटा वाले हो या मुंडित हो, सभी के कर्म मन वाणी से उनकी पूजा करनी चाहिए। शुभ पराभव वर्णन। सनत कुमार बोले, हे सुव्रत, राजा क्षुभ को दधीची ने जनार्दन को जीतकर पैर से किस प्रकार मारा तथा महादेव जी से वरदान प्राप्त किया है। हे शैलादि, जैसे आपने मृत्यु को जीता है, वह भी इससे कहो। शैलादि बोले, ब्रह्मा का पुत्र महातेजस्वी शुभ नाम का राजा था, जो दधीची मुनि का परम मित्र था। उन दोनों में विवाद चलता रहा कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है या ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 8 लोकपालों से तेज को राजा धारण करता है। अग्नि, इंद्र, वरुण, यम, निरति, वायु, सोम, कुबेर के तेज को धारण करता है। अतः राजा ईश्वर है, मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। हे चैवन की संतान दधीची, हमारी सर्वदा पूजा करनी चाहिए। शुभ के ऐसे मत को सुनकर दधीची ने आत्म गौरव से क्षुभ राजा के सिर में बाएं हाथ का भूसा मारा तथा क्षुभ ने दधीची के वज्र मारा। वज्र से ताड़ित ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुख से उस समय उसने शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य योग बल से दधीची के हृदय में प्रवेश करके उसको जीवित करके कहने लगे, हे दधीची, तुम उमापति शंकर का पूजन करो, उनकी कृपा से तुम अवध्य होगे। मृत संजीवनी विद्या भी शिव की ही है, वह तुझे देता हूँ। त्र्यंबक का मैं यजन करता हूँ, जो त्रैलोक के भी पितृ हैं तथा मंडल के भी स्वामी हैं। 3 तत्वों के, 3 अग्नि के, 3 भूतों के, 3 वेदों के महादेव सुगंधि और पुष्टि वर्धन है। पुष्पों में सूक्ष्म गंध के समान वह महेश्वर सुगंधि के समान है। हे ब्राह्मण, पुरुष रूप शिव की प्रकृति पुष्टि रूप है। महत से लेकर विशेषांत तक तत्वों के, विष्णु ब्रह्मा तथा मुनियों के, इंद्र आदि सभी देवों के पुष्टि वर्धन भी वही हैं। उस अमृत रूप देवी को स्वाध्याय तप आदि से पूजते हैं। सत्य के द्वारा उससे मृत्यु पाश से मुक्ति होती है। उर्वासक की तरह उससे बंध और मोक्ष होता है। मृत्यु संजीवन मंत्र यह शिवजी से प्राप्त किया है, इसको जप कर, इसके द्वारा हवन कर, अभिमंत्रित जल पीकर, दिन रात शिवलिंग का ध्यान करके मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके ऐसे वचन सुनकर तप के द्वारा शंकर का आराधन करके दधीची मुनि ने वह वज्र की हड्डी तथा अवध्यता तथा अदीनता प्राप्त की। तब राजा क्षुभ को मूर्धा में पैर से ताड़न किया। क्षुभ ने भी वज्र को दधीची की छाती में मारा। महात्मा दधीची का वज्र ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि परमेश्वर के प्रभाव से वह वज्र के से ही शरीर वाला हो गया था। उस समय क्षुभ ने दधीची के अवध्यत्व तथा अदीनता को देखकर कमल नेत्र भगवान मुकुंद को याद किया। शुभ दधीची संवाद वर्णन।
नंदीश्वर बोले, राजा क्षुभ की पूजा से संतुष्ट भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। पीताम्बर धारी भगवान का दर्शन करके स्तुति करने लगे। तुम आदि देव हो, अनादि हो, प्रकृति भी तुम हो। तुम्हारे द्वारा ही ब्रह्मा और रुद्र प्रकट होते हैं। तुम ही साक्षात विष्णु हो। सतत तत्व तन्मात्रा आदि आप में ही स्थित है। हे विष्णु जी, आपको नमस्कार है। सात पाताल आपके पैर हैं, धरा जांग है, सात सागर वस्त्र हैं, दिशाएं भुजाएं हैं, नाभि आकाश है, वायु नाक है, सूर्य चंद्र नेत्र हैं, नक्षत्र आदि आपके गले के आभूषण हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? शैल आदि बोले, इस प्रकार सब पापों के नाश करने वाले विष्णु के इस स्तोत्र को जो श्रद्धा भक्ति से सुनता है, वह विष्णु लोक को जाता है। राजा क्षुभ बोला, धर्मवेता दधीची नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह शंकर के अर्चन में तत्पर है, इससे सबका अवध्य है। उसने वाम पैर से मेरी मूर्धा में अपमान सहित मारा है और मत से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अब जैसा मेरा हित हो सो करो, मैं उसे जीतना चाहता हूँ। शैल आदि बोले, विष्णु शिव के प्रभाव से दधीची को अवश्य समझकर बोले कि ब्राह्मणों को मुझसे भय नहीं है। विशेष करके रुद्र के भक्त तो सर्वदा अभय हैं, चाहे वे नीच ही हो। दधीची की तो बात ही क्या है, इससे हे राजा तेरी विजय नहीं हो सकती। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश होगा, देवताओं के साथ में पुनः उत्थान भी होगा। सो हे राजन, मैं दधीची से विजय का प्रयत्न करूंगा। शैल आदि बोले, शुभ भगवान की बात सुनकर अच्छा ऐसा ही हो कहने लगा। भगवान दधीची की कुटिया में पहुँचे, ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची से बोले, हे ब्रह्म ऋषि दधीची, शिव भक्ति में तत्पर हो मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, आप देने के योग्य हो। तब दधीची बोले, तुम्हारी इच्छा मैं जान गया, तो भी मैं भय नहीं करता। आप विप्र के रूप में जनार्दन हो, भूत भविष्य वर्तमान रुद्र की कृपा से सब जानता हूँ। आप ब्राह्मण पने को छोड़ दो, शुभ ने तुम्हें पुकारा है। तुम्हारी भक्त वत्सलता को मैं जानता हूँ। शिव की अर्चना से मुझे कहीं भय नहीं है, यदि है तो आप बताइए। नंदीश्वर बोला, ऐसा सुनकर विष्णु भगवान रूप छोड़कर हंसने लगे। भगवान बोले, हे दधीची, तुम्हें भय नहीं है, तुम शिव के अर्चन में तत्पर हो, इसी से तुम सर्वज्ञ हो। परंतु एक बार यह कह दो कि मैं डरता हूँ, ऐसी मेरी आज्ञा मान लीजिए। विष्णु के कहने पर भी दधीची ने फिर भी यही कहा कि मैं नहीं डरता। मुनि के यह वचन सुनकर विष्णु को क्रोध आ गया। चक्र को उठाकर भस्म करने के लिए मारने को तैयार हुए, परंतु विष्णु का वह चक्र कुंठित हो गया। तब दधीची हंसकर बोले, हे भगवान, अतीत दारुण यह सुदर्शन चक्र जो आपको प्रयत्न से प्राप्त हुआ है, वह शिव का ही है, इसलिए मुझे नहीं मार सकता। ब्रह्मास्त्र आदि से मारने का प्रयत्न करो। शैल आदि बोले, उसकी बातों को सुनकर विष्णु ने सब प्रकार के अस्त्र उस पर चलाए तथा सभी देवता विष्णु की सहायता करते रहे। दधीची कुशाओं की मुष्ठी लेकर शंकर जी का स्मरण कर सब देवों पर कुशा फेंकने लगे, उनके सब अस्त्र व्यर्थ हो गए, देवता सब भाग गए। विष्णु ने अपने शरीर से लाखों दिव्य गण उत्पन्न किए, परंतु मुनीश्वर उन्हें दग्ध कर देता था। तब विष्णु भगवान में करोड़ों देवता, करोड़ों रुद्र, करोड़ों ब्राह्मण आदि मुनीश्वर ने देखे। उन्हें देखकर दधीची बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और तब दधीची उनको इस प्रकार देखकर बोले कि हे प्रभो, इस माया को छोड़ दो, अब मेरे शरीर में भी अपने सहित समस्त ब्रह्मांड को देखो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। परंतु इस माया से क्या, इसको छोड़ो, प्रयत्न पूर्वक मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसे वचन सुनकर और अद्भुत महात्म्य को देखकर देवता सब भाग गए। नारायण को इस प्रकार निश्चेष्ट देखकर पद्म योनि ब्रह्मा निराकरण करने लगे। तब विष्णु मुनीश्वर को प्रणाम करके वहाँ से चले गए।
शुक दुखातुर होकर दधीची की पूजा करने लगा। हे दधीची, मैंने तथा विष्णु भगवान और देवताओं ने जो अज्ञान से आपका तिरस्कार या अपमान किया, उसको क्षमा कर प्रसन्न होइए। दधीची यह सुनकर के राजा को तथा देवताओं को श्राप देने लगे कि हे राजा, आप सभी देवता विष्णु सहित दक्ष के पुण्य यज्ञ में रुद्र के क्रोध से भस्म हो जाएं। फिर राजा को देखकर दधीची बोले, हे राजेंद्र, विभिन्न देवताओं के द्वारा पूज्य तथा राजाओं के द्वारा पूज्य ब्राह्मण बलि और समर्थ है। ऐसा कहकर दधीची अपनी कुटिया में चले गए और राजा भी प्रणाम करके लौट गया। तभी से यह तीर्थ स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो इस तीर्थ को प्राप्त होंगे, वे शिव सायुज्य को प्राप्त होंगे। यही मैंने दधीची और शिव का प्रभाव भी वर्णन किया। जो इस क्षुप राजा और दधीची के आख्यान को सुनेंगे, वे मृत्यु को जीतकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। युद्ध में जो इसका कीर्तन करेंगे, वे विजयी होंगे तथा मृत्यु का भय नहीं होगा। शिवजी के द्वारा ब्रह्मा को वरदान। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने उमापति महादेव को किस प्रकार प्राप्त किया, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। शैल आदि बोले, हे महामुनि, पूर्व काल में मेरे पिता ने पुत्र की कामना से बहुत समय तक तपस्या की। तब तपस्या से संतुष्ट होकर इंद्र प्रकट हुए और शैल आदि से बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब प्रणाम करके शिलार्थ ने कहा, हे भगवान, हे सहस्त्राक्ष, मुझे अयोनिज तथा मृत्यु से रहित पुत्र का वरदान दीजिए। इंद्र बोले, हे विप्र, मैं तुझे योनिज तथा मृत्यु से युक्त पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु अयोनिज तथा मृत्यु से हीन पुत्र नहीं दे सकता। पद्म से उत्पन्न ब्रह्मा जी भी, जो कि स्वयं ईश्वर हैं, कमल की योनि से उत्पन्न हुए हैं, वे भी मृत्यु से रहित नहीं है। करोड़ों वर्षों में कल्पांत में वे भी अंत को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे विप्रेंद्र, अयोनिज और मृत्यु से रहित पुत्र की आशा को छोड़ दो। शैल आदि बोले, इंद्र की ऐसी बातें सुनकर मेरे पिता, जिनका नाम शिलाद था, बोले, हे महाबाहो इंद्र, भगवान अंड की योनि से, पद्म योनि से, ब्रह्मा तथा महेश्वर की योनि की बातें मैंने सुनी है। नारद से मैंने सुना है कि दाक्षायणी ब्रह्मा से उत्पन्न दक्ष के ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ था। इंद्र ने कहा, तुम्हारी यह संशय की बात है। मेघ वाहन कल्प में जनार्दन भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। दिव्य देवताओं को हजारों वर्ष तक विष्णु ने मेघ होकर शिव को धारण किया। शंकर ने ब्रह्मा के साथ उनको सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्रदान की। उस कला का नाम मेघ वाहन हुआ। हिरण्यगर्भ तप के द्वारा शंकर को प्राप्त करके बोला, हे प्रभो, आपके वामांग से विष्णु तथा दक्षिणांग से उत्पन्न मैं हूँ। हे देव, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। इसके बाद ऊपर जल रूपी समुद्र में, जहाँ सब प्रकार से अंधकार है, अनंत भोगों वाले शंख, चक्र आदि से युक्त सर्पों की शैया पर योग निद्रा में शयन करते हुए विष्णु भगवान का दर्शन किया। ब्रह्मा के भौहों के मध्य से विष्णु की उत्पत्ति हुई। उस अवसर पर रुद्र विकृत रूप धारण कर दोनों को वरदान देने के लिए वहां पहुंचे। शंकर को उन दोनों ने प्रणाम किया तथा स्तुति की। शिव भी ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके वहां पर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा की सृष्टि का कथन। शैल आदि बोले, महेश्वर के चले जाने पर विष्णु भगवान पद्म योनि ब्रह्मा से बोले, जगन्नाथ शंकर भगवान हम दोनों के तथा अखिल विश्व के सर्वस्व हैं। मैं उनके वामांग से तथा आप दक्षिण अंग से उत्पन्न हैं। ऋषि लोग मुझे प्रधान प्रकृति कहते हैं, आपको पुरुष। महादेव ही हम दोनों के कारण हैं और सब जगत के प्रभु हैं। ब्रह्मा भी भगवान की बात सुनकर रुद्र भगवान की स्तुति करके प्रणाम करने लगे। इसके अनंतर विष्णु भगवान ने जल में डूबी हुई पृथ्वी को वाराह बनकर पूर्ववत स्थापित किया। नदी, नाले, पर्वत सभी स्थापित किए। पृथ्वी को ऊंची नीची सतह से रहित किया।
भू आदि चारों लोकों की कल्पना की तथा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा करके पशु पक्षी देव योनि तथा मनुष्यों की रचना की। पूर्व में कुमारों को उत्पन्न किया, सनत सनंदन सनातन उत्पन्न हुए, जो निष्कर्म मार्ग से परम गति को प्राप्त हुए। पुलस्त पुलह कृतु दक्ष अत्रि वशिष्ठ आदि ऋषियों को योग विद्या से रचा। संकल्प धर्म अधर्म इत्यादि 12 प्रकार की प्रजा ब्रह्मा से उत्पन्न हुई। रिपु और सनत कुमार आदि रचे। ये दोनों उधर्व रेता और दिव्य सृष्टि को रचकर पद्म योनि ब्रह्मा ने अशेष युग धर्म को बनाया। चारों युग धर्म का वर्णन। शैल आदि बोले, इंद्र से कहे हुए धर्म को सुनकर मेरे पिताजी शिलात बोले कि ब्रह्मा जी ने युग धर्म को किस प्रकार बनाया वे मुझसे कहो। ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, पहले सतयुग, बाद में त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये 4 प्रकार के युग हैं। सतयुग में सद्गुण प्रधान है, त्रेता में रजोगुण, द्वापर में तमोगुण तथा रजोगुण है। कलयुग में केवल तमोगुण प्रधान है, सतयुग में ध्यान प्रधान है, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भजन तथा कलयुग में केवल शुद्ध दान प्रधान है। सतयुग में धर्म 4 पैर वाला है, त्रेता में 3 पैर वाला, द्वापर में 2 पैर वाला तथा कलयुग में केवल 1 पैर वाला है। सतयुग में प्रजा सब आनंद स्वरूप भोग वाली तथा ऊंच नीच वाली नहीं थी, शोक रहित थी, पर्वत समुद्र आदि में निवास करती थी। वर्णाश्रम धर्म था, वर्ण शंकर प्रजा नहीं थी। इसके पश्चात द्वंद्वों से पीड़ित उनसे छूटने के लिए प्रजा ने अनेकों उपाय किए। तृष्णा से पीड़ित नाना प्रकार के भोगों से रहित प्रजा होने लगी। प्रजा की मर्यादा रखने के लिए तथा विघ्नों को दूर करने के लिए क्षत्रियों को उत्पन्न किया। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की। मनुष्य सभी सदाचारी थे। इसी प्रकार ब्रह्मा ने त्रेता में यज्ञों का परिवर्तन किया। पशु यज्ञ का कोई सेवन नहीं करते थे, अहिंसात्मक यज्ञ की प्रशंसा करते थे। द्वापर में परस्पर मनुष्यों की बुद्धि में भेद हुए। इससे सभी प्राणियों को काम कलेश शरीर रोग तथा द्वंद तापों को सहना पड़ा। वेद शास्त्रों में लुप्त होने से वर्ण शंकरता भी आ गई। काम क्रोध आदि फैल गए। द्वापर में व्यास जी ने चारों वेदों का विभाग किया। मंत्र ब्राह्मण के विन्यास से तथा स्वर वर्ण की विपरीतता से ब्राह्मण कल्प सूत्र मंत्र वचन के अनेक भेद पैदा किए। इतिहास पुराण भी काल गौरव से अनेकता को प्राप्त हुए। ब्रह्म पद्म वैष्णव शैव भागवत भविष्य नारदीय मार्कंडेय आग्नेय लिंग वाराह वामन कूर मत्स्य गरुड़ स्कंद ब्रह्मांड पुराणों का संकलन हुआ। मनु अत्रि विष्णु हारित याज्ञवल्क्य उष्णा अशीरा अंगीरा यम आपस्थम संवर कात्यायन बृहस्पति पराशर व्यास शंख लिखित दक्ष गौतम शातादप वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा स्मृतियां रची गई। उस समय वृष्टि मरण तथा व्याधि आदि उपद्रव होने लगे। वाणी मन शरीरों से नाना प्रकार के कलेश होने लगे तथा दुख से छूटने का विचार करने लगे। विचार और विराग दोषों के कारण उत्पन्न होने लगे। द्वापर में ज्ञान से दुख हानि का विचार करने लगे। इस प्रकार रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त वृत्ति द्वापर में रही। पहले सतयुग में धर्म था, वह त्रेता में भी ठीक रूप से चलता रहा तथा द्वापर में व्याकुल होकर कलयुग में नष्ट हो गया। चारों युग का परिमाण। इंद्र बोले, कलयुग में मनुष्य माया असूया और तपस्वियों का वध आदि करेंगे तथा व्याकुल रहेंगे। प्रमादक रोग तथा भूख का भय तथा वर्षा न होने का भय तथा देशों में नाना प्रकार के संकट रहेंगे। अधर्म में चित रहने के कारण वेद को प्रमाण नहीं मानेंगे। अधार्मिक अनाचारी महाक्रोधी तथा अल्प बुद्धि वाले होंगे। मनुष्य झूठ अधिक बोलेंगे। उनकी संतान दुराचारी होगी। ब्राह्मणों के कर्म दोष के द्वारा प्रजा में भय रहेगा।
ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ेंगे। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय आदि क्रम से नष्ट होने लगेंगे। शूद्र ब्राह्मण से मंत्र लेंगे, खाना पीना भी ब्राह्मणों के साथ करने लगेंगे। विशेष करके शूद्र राजा होंगे तथा ब्राह्मणों का वध करेंगे। भ्रूण हत्या तथा वीर हत्या होने लगेगी। शूद्र ब्राह्मणों का आचार करेंगे। राजा चोरों की सी वृत्ति वाले होंगे। मनुष्यों में वर्णाश्रम नहीं रहेंगे। भूमि अल्प फल वाली रहेगी। राजा रक्षक नहीं रहेंगे। शूद्र ज्ञानी होकर ब्राह्मणों से अभिवादन कराएंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ जीविका करेंगे। तप और यज्ञ के फल को बेचने वाले ब्राह्मण अधिक होंगे। कलयुग में यति बहुत होंगे, जिनमें पुरुष थोड़े और स्त्रियां अधिक होंगी। स्त्रियां व्यभिचारिणी ज्यादा होंगी। पृथ्वी राजा से शून्य हो जाएगी। देश देश तथा नगर नगर में मंडल बनाए जाएंगे। शासन प्रजा की रक्षा नहीं कर सकेगा। त्रेता में एक वर्ष में जो धर्म फल देता था और द्वापर में एक माह में, वही धर्म कलयुग में एक दिन में फल देने वाला होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की हजार चौकड़ी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतनी ही रात्रि होती है। इसी प्रकार 71 चतुर्युगी का एक मन्वंतर होता है। यही मन्वंतर का लक्षण बतलाया है। यही युगों का संक्षेप में लक्षण कहा तथा मन्वंतरों का लक्षण है। कल्प कल्प में इसी प्रकार व्यवस्था होती है। इसी प्रकार प्रत्येक कल्प में ऋषि लोक, मनुष्यों का लोक तथा वर्णाश्रमों का विभाग युग युग में होता रहता है। प्रभु युग युग में युगों के स्वभाव वर्णाश्रमों के विभाग युग सिद्धि के लिए करते हैं। इस प्रकार युगों का परिमाण तुमसे कहा। अब संक्षेप से देवी के पुत्रों का वर्णन करूँगा। इंद्र द्वारा शिव की शक्ति का वर्णन और ब्रह्मा की उत्पत्ति। इंद्र बोले, भगवान पितामह ने हजारों वर्षों के अंत में प्रातः काल में पूर्ववत सृष्टि की रचना की। विपरार्थ के अंत में जब पृथ्वी जल में डूबी थी, जल अग्नि में लीन था, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, सभी इंद्रियां और तन मात्रा सहित आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व अव्यक्त में लीन था, अव्यक्त भी अपने गुणों के साथ शिव में लीन था, तब सृष्टि की उत्पत्ति कमल योनि ब्रह्मा ने की तथा मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। शिव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तप किया। तब ब्रह्मा के ललाट को भेदन करके स्त्री पुरुष दोनों रूप में शिव उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से बोले कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र महादेव अर्ध नारीश्वर रूप हुए, जो ब्रह्मा सहित जगत को दहन करने लगे और अर्थ मात्रा में भगवती कल्याणी परमेश्वरी हुई, जिसको शिव ने जगत की वृद्धि के लिए उत्पन्न किया। उससे हरि और ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति की। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु महादेवी के अंश से उत्पन्न हुए। नारायण भगवान ने भी अपने शरीर के दो भाग किए और अपने अंश से चराचर जगत की रचना की। ब्रह्मा ने पुनः 10,000 वर्षों तक शिव की तपस्या की। तब नील लोहित शिव की ब्रह्मा के ललाट से पुनः उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा ने उन नील लोहित की हाथ जोड़कर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, हे भव, हे देव, आपको नमस्कार है। आप सर्व हो, शित रूप हो, ईश रूप हो, वायु रूप हो, सोम रूप हो, यजमान रूप हो। हे प्रभो, आपको नमस्कार है। पितामह के इस रूप को जो पढ़ता है, वह एक वर्ष में ही अष्टमूर्ति शिव की सायुज्यता को प्राप्त हो जाता है। अष्टमूर्ति भगवान शिव की भानु, अग्नि, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, यजमान और आकाश रूप वाली कही गई है। अष्टमूर्ति शिव के प्रसाद से ब्रह्मा ने अखिल जगत की रचना की। चराचर जगत के लय के संबंध में प्रजा की रचना के लिए ब्रह्मा ने तप किया था। बहुत समय तक जब कहीं कुछ नहीं देखा तो ब्रह्मा को क्रोध आया। क्रोध से ब्रह्मा के आंसू गिरे और आंसुओं से भूत प्रेत पिशाच उत्पन्न हुए। उनको देखकर ब्रह्मा ने अपनी आत्मा की निंदा की तथा क्रोध में आकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया।
तब प्राणमय रुद्र अर्धनारीश्वर ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए और शिव अपनी आत्मा को 11 रूपों में बांटते गए, जो 11 रुद्र हुए। आधे अंश से उमा भगवती को रचा, जो लक्ष्मी, दुर्गा, रौद्री, वैष्णवी आदि नामों से कही गई है। मरे हुए ब्रह्मा के लिए भगवान शिव ने प्राणों का दान दिया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उठ पड़े। शिव जी बोले, हे जगत गुरु ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे प्राण स्थापित कर दिए हैं, तुम उठो। ब्रह्मा शिव जी को देखकर बोले, हे महाराज, आप अष्ट मूर्ति तथा 11 मूर्ति वाले कौन हो? शंकर बोले, मुझे तुम परमात्मा समझो तथा यह माया को तुम अजा समझो। ये 11 रुद्र हैं जो तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से ब्रह्मा बोले, हे देव, मैं दुखों से व्याप्त हूँ, आप मुझे संसार से मुक्त करने में योग्य हो। तब उमापति शंकर ब्रह्मा को आश्वासन देकर रुद्रों सहित वही अंतर ध्यान हो गए। इंद्र कहता है, हे शिलाद, अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दुर्लभ है। ब्रह्मा जी अयोनिज नहीं है तथा मृत्यु से रहित नहीं है, किंतु रुद्र यदि प्रसन्न हो जाएं, तो वे मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र दे सकते हैं, उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं अयोनिज और मृत्यु से रहित पुत्र देने में असमर्थ हैं। शैल आदि बोले, इस प्रकार मेरे पिता शिलाद को कहकर इंद्र अपने सफेद हाथी पर बैठकर चले गए। नंदीश्वर की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, वरदान देने वाले इंद्र के चले जाने पर शिलाद ने शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या की। देवताओं के हजारों वर्ष क्षण की तरह बीत गए। शरीर में बमई बन गई, कीड़े दीमक लग गए, अस्थि मात्र शरीर रह गया। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और उसके शरीर पर हाथ फेरा, जिससे वह रिष्ट पुष्ट शरीर से युक्त हो गया। उसने उमा और गणों सहित शिव के दर्शन किए। शिव ने उससे कहा कि, हे शिलाद, तुझे मैं सर्वज्ञ और सर्व शास्त्र पारंगत पुत्र दूंगा। शिलाद बोला, हे शंकर, मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दो। महादेव जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व में ब्रह्मा ने प्रार्थना करके मुझसे अवतार धारण के लिए प्रार्थना की है, सो मैं नंदी नाम वाला अयोनिज तेरा पुत्र होऊंगा। तुम मेरे पिता होगे और मैं जगत में तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ऐसा कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। रुद्र की कृपा से यज्ञ की भूमि में से शिव उत्पन्न हुए। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाले, 4 भुजाओं वाले, जटा मुकुट धारण किए हुए, वज्रादि आयुध धारण किए हुए शिव को देखकर देवता आदि लोग स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वसु, रुद्र, इंद्र आदि सभी प्रार्थना करने लगे। साक्षात लक्ष्मी, ज्येष्ठा, शची देवी, दिति, अदिति, नंदा, भद्रा, सुशीला भी मेरी स्तुति करने लगी। शिलाद मुनि मुझ शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, हे त्र्यंबक, हे देवेश, जगत की रक्षा करने वाले तुम मेरे पुत्र रूप में आए हो। हे आयोनिज, हे ईशान, हे जगत गुरु, आप मेरी रक्षा कीजिए। तुमने मुझको नंदित अर्थात आनंदित किया है, इससे आपका नाम नंदी है। मेरे पिता माता सभी रुद्र लोक को चले गए हैं, अब मेरा जन्म सफल हुआ। हे सुरेश, हे नंदीश्वर, आपको नमस्कार है। आपको पुत्र समझकर जो कुछ मैंने कहा उसे क्षमा करो। इस स्तोत्र को जो भी कोई पढ़ता है या भक्ति सहित सुनाता है, वह मेरे साथ रुद्र लोक में आनंद के साथ निवास करता है। तब बाल रूप शिव को प्रणाम करके शिलाद कहने लगे, हे मुनीश्वरों, मेरे उत्तम भाग्य को देखो, जो कि नंदीश्वर मेरे पुत्र रूप में यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुआ है। मेरे समान लोक में देव, दानव कोई भी भाग्यशाली नहीं है, जिसके लिए नंदीश्वर साक्षात शिव यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुए हैं। नंदिकेश्वर अभिषेक वर्णन। नंदिकेश्वर बोले, मेरे पिता मेरे साथ शिवजी को प्रणाम करके अपनी झोपड़ी में गए। तब उस पर्णशाला में देवी रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में बदल गया।
मेरी दिव्य स्मृति नष्ट हो गई। इस मेरे मानुष रूप को देख मेरे पिता ने मेरा जात कर्म आदि संस्कार किया। ऋग, यजु, साम आदि वेदों का तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि का भी उपदेश मुझे दिया। 7 वर्ष पूरे हो जाने पर मित्रा वरुण नाम वाले मुनि मेरे पिता के आश्रम में आए। मुझे बार बार देख करके बोले कि यह नंदी सर्व शास्त्र पारंगत है, परंतु आश्चर्य है कि यह अल्प आयु वाला है। यह सुनकर मेरे पिता शिलाद, हे पुत्र ऐसा विलाप करने लगे तथा मृतक के समान निश्चेष्ट होकर गिर गए। मृत्यु से भय वाला होकर मैं हृदय में त्र्यंबक का ध्यान करता हुआ रुद्र जाप में तत्पर हो गया। तब प्रसन्न होकर चंद्रशेखर शिवजी बोले, हे वत्स, नंदी तुमको मृत्यु का भय कहाँ? मैंने ही इन दोनों ऋषियों को भेजा था, उन्होंने लौकिक देह को देखा है, दैविक को नहीं देखा। संसार का ऐसा स्वभाव ही है कि इसमें सुख दुख होता रहता है। ऐसा कहकर भगवान ने मेरा स्पर्श किया तथा प्रसन्न होकर बोले, तुम गणपतियों को तथा हिमाचल की पुत्री देवी को देखो। ऐसा मुझसे कहा, फिर मेरे शरीर को जरा आदि से अक्षय करके कहा कि तू मेरा गण है, मेरे पास सदा रहेगा। अपनी अक्षय माला को गले से उतार कर मुझे पहना दिया। उस माला से मैं 3 नेत्र वाला, 10 भुजा वाला शंकर के समान ही हो गया। शंकर बोले कि तुझे क्या वरदान दूं? फिर जटाओं से शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर उन्होंने छोड़ा और कहा कि नदी हो जा। वह स्वच्छ जल से युक्त कमल दल से पूर्ण महानदी बन गया। जटा और उदक से उत्पन्न उस नदी का नाम जटोदका रखा तथा उस नदी से भगवान ने कहा कि जो तेरे में स्नान करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान हाथ में जल लेकर पुत्रवत प्रेम से मेरा अभिषेक करने लगे। प्रसन्न हुए वृष भगवान बड़ी गर्जना करने लगे। तब उस नदी का नाम वृषध्वनि कहा गया। मुझे विश्वकर्मा के अद्भुत मुकुट और कुंडल शंकर भगवान ने पहनाए। फिर वह नदी जाम्बूनद नाम वाली भी कही गई और अब पंचनद नाम से प्रसिद्ध है। उसमें जो स्नान करके शिव की पूजा करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। तब भूतपति महादेव गिरिजा से बोले कि हे देवी, नंदीश्वर को मैं भूतपति तथा गणपति नाम से अभिषेक करूंगा, तुम वह ठीक मानती हो ना? तब हस्ती हुई देवी बोली कि हे प्रभु, इसे सभी गणों का अधिपति बनाकर सब देने योग्य हो, क्योंकि शिलाद का यह पुत्र मेरा ही पुत्र है। तब शंकर ने सभी गणपतियों का स्मरण किया। शैल आदि बोले, रुद्र के स्मरण करने पर सभी गणपति हजारों की संख्या में हजारों प्रकार के वाहनों पर चढ़े हुए कालग्नि के समान भेरी, मृदंग, शंख आदि बाजे बजाते हुए शिव के पास आकर इकट्ठे हुए। प्रणाम करके शंकर से बोले, हे प्रभु, किस प्रकार हमारा स्मरण किया, कृपया करके आज्ञा दीजिए। क्या हम यमदूतों के साथ यम को मार दें? क्या हम समुद्रों का शोषण कर दें? वायु के साथ विष्णु को पकड़ लावें? ऐसा सुनकर शिवजी बोले कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, सो मेरी आज्ञा से तुम सब अपने इस सेनापति का अभिषेक करो। जैसी आपकी आज्ञा कहकर वह गण सुवर्णमय आसन आदि सभी सामग्री इकट्ठा करने लगे। वैदूर्य मणि का मंडप बनाया, हजारों स्वर्ण ताम्र मिट्टी आदि के पात्र भरकर रखे, दिव्य मुकुट कुंडल और छत्र आदि सब इकट्ठे किए। फिर सब देवता, इंद्र आदि, विष्णु तथा मुनीश्वर वहां आए। अभिषेक विधिवत कराने के लिए शिव ने ब्रह्मा को आज्ञा दी। ब्रह्मा ने सब प्रकार का पूजन किया, विष्णु तथा दिक्पालों ने पूजन किया, ऋषियों ने पूजन कर स्तुति की, विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सभी गणपतियों ने तथा देवताओं ने अभिषेक किया, देवी ने छत्र तथा चवर उसे समर्पण किया, देवी ने अपना गले का हार भी उसे दिया, देवी ने शिव को देखकर गणों से प्रार्थना की, सबको पूजा करने की आज्ञा की। तब सभी मुनि लोगों ने और रुद्र के भक्तों ने पूजन किया। नमस्कार आदि से रहित ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं।
इसलिए सभी को नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा देवी के कहने पर सबने प्रणाम करके पूजन किया। पाताल वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत, रुद्र के सर्वात्मक रूप का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, भू, भूर्व, स्वह, मह, जन, तप, सत्य तथा पाताल, नरक, समुद्र, तारे, ग्रह, सूर्य, चंद्र, ध्रुव तथा सप्त ऋषि और देवता लोग जहाँ रहते हैं, वे सब समष्टि रूप से शिव का ही रूप है। मूढ़ पुरुष माया से मोहित होकर यह नहीं जानते, यह सब जगत रुद्र का ही स्वरूप है। सो उस शिव को प्रणाम करके मैं तुमको सब कहूँगा। पृथ्वी, आकाश, स्वर, मह, जन, तप, सत्य, ये सब लोक ब्रह्मांड से ही उत्पन्न है। नीचे के सात पाताल, इनके नीचे नरक है। महातल सब रत्नों से शोभित, विचित्र महलों से युक्त, अनंत भगवान तथा मुचकंद के सहित राजा बलि से सुशोभित है तथा शर्करा से बना है। सुतल पीले वर्ण का है, वितल मूंगा की सी कांति वाला है, अतल सफेद रंग का है, तल सफेद से भिन्न रंग का है। पृथ्वी का जितना विस्तार है, वैसे ही नीचे इनका भी विस्तार है। सहस्त्र योजन व्योम का विस्तार है। रसातल वासुकी से युक्त है। विरोचन हिरण्याक्ष तथा नरक आदि से सेवित तलातल नाम का पाताल कहा गया है। कालनेमी आदि से युक्त सूतल कहा गया है। तार का अग्निमुख आदि दानवों और नागों से, असुर प्रहलाद से युक्त वितल कहा है। महाकुंभ, हयग्रीव आदि से सेवित तथा नाना प्रकारों के वीरों से युक्त तल कहा गया है। तलों में स्कंद अंबा नंदी गणों से सहित शिव विराजमान है। सब तलों से ऊपर पृथ्वी के सात लोक तथा पृथ्वी का वर्णन भी मैं तुमसे करूँगा। भुवन कोश में द्वीप और द्वीपेश्वरों का वर्णन। सूत जी बोले, सात द्वीप वाली पृथ्वी नदियों और पर्वतों से युक्त और सात समुद्रों से सुशोभित है। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम वाले क्रम से सात द्वीप हैं। सातों द्वीपों में गण से युक्त अंबिका के साथ नाना वेश धारण किए हुए शिवजी विराजमान हैं। शारोद, रसोद, सुरोद, घटोदधि, दध्यर्णव, क्षीरोद, स्वदूत, ये क्रम से सात समुद्र हैं। इन समुद्रों में भी शिवजी जल रूप होकर गणों सहित बाहुओं से क्रीड़ा करते हैं। क्षीरार्णव में विष्णु भगवान शिव ध्यान में तत्पर योग निद्रा में शयन करते हैं। जब वे जागते हैं तो अखिल संसार प्रबुद्ध होता है और सोने पर सब संसार सुप्त हो जाता है। श्रीमान सनंदन, सनातन, बालखिल्य, मित्रा वरुण, ये सदा विष्णु भगवान का यजन किया करते हैं। अतीत अनागत सभी मनमंत्रों में पृथ्वी के स्वामियों के नाम अब आपसे कहता हूँ। स्वयंभू मनमंत्र में मनु के पौत्र और राजा प्रियव्रत के 10 पुत्र कहे हैं। अग्नित, अग्निबाहु, मेधातिथि, वसु, वपुष्पान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सवन आदि हुए। प्रियव्रत ने जम्बोद्वीप का स्वामी अग्निंदर को बनाया और प्लश द्वीप का मेधातिथि को शलमली का वपुष्मान किया। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान, क्रौंच में द्युतिमान, शाल्प द्वीप में हव्य को और पुष्कर का सवन को अधिपति बनाया। हव्य के जलद, कुमार आदि 7 पुत्र हुए। इन्हीं के नाम से अलग अलग देशों के विभाग हुए। इसी प्रकार लक्षादि द्वीपों के अधिपतियों के भी पुत्र हुए, जिनके नाम पर उस द्वीप के देशों के तथा वर्षों के नाम पड़े। लक्षादि द्वीपों में धर्म और वर्णाश्रम विभाग, सुख, आयु, स्वरूप, बल सर्व साधारण रूपों में थे। ये सब मनुष्य महेश्वर में ध्यान में एवं पूजा में तत्पर रहते थे। अन्य पुष्कर आदि द्वीपों में उत्पन्न हुए राजा लोग रुद्र के भावी रूपी सुख में तत्पर रहते थे। भारत वर्ष का वर्णन। सूत जी बोले, राजा प्रियव्रत ने अपने महाबलवान बड़े पुत्र को जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। वह शिव का भक्त, बड़ा तपस्वी, श्रीमान इंद्र विजयी
तथा बुद्धिमान था। उसके पुत्र 9 प्रजापति के समान महादेव जी में परायण हुए। बड़ा पुत्र नाभि, दूसरा किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, छठवां हिरण्यमान, सातवां कुरु, आठवां भद्राशव, नौवां केतुमाल नाम वाले थे। इनके जम्बोद्वीप में देशों का अब वर्णन करूंगा। पिता ने नाभि को दक्षिण देश हेमाख्य दिया। हेमकुट नाम का देश किम पुरुष को, हरि को नैषत, इलाव्रत के लिए मेरु, रम्य को नीलाचल पर स्थित देश, श्वेत नाम का देश जो उत्तर में है वह हिरण्यमान को, श्रृंग वर्ष को कुरुपुत्र के लिए, मालवान देश को भद्राशव को, गंधमादन केतुमाल नामक पुत्र को दिया। आग्नेय अपने देश को पुत्रों में अभिषेक करके तपस्या के लिए चला गया। स्वाध्याय में तत्पर होकर शिव ध्यान में मग्न हो गया। किम पुरुष आदि के 8 देशों में बिना ही सिद्धि के सुख की वृद्धि तथा जरा मृत्यु का भय नहीं है। इन 8 रुद्र क्षेत्र में मरे हुए स्थावर जंगम प्राणियों को रुद्र की समीपता मिलती है और अंत में परागति को प्राप्त होते हैं। नाभि के पुत्र और मेरु देवी पत्नी से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान ऋषभ नाम वाला पुत्र हुआ। ऋषभ के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। ऋषभ भरत को अभिषेक करके ज्ञान वैराग्य में मग्न होकर नग्न जटाधारी तथा निराहारी शिव के बड़े भारी भक्त हुए और शैव पद को प्राप्त हुए। हिमाचल से दक्षिण देश को भरत के लिए दिया गया था, इसलिए विद्वान उसे भारतवर्ष नाम से जानते हैं। भरत का पुत्र भी बड़ा बुद्धिमान बलवान सुमति नाम वाला हुआ। भरत उसे राज्य का भार सौंपकर तपस्या के लिए जंगल में चले गए। जम्बोद्वीप में मेरु का वर्णन। सूची बोले, इस द्वीप के मध्य में मेरु नाम का पर्वत नाना प्रकार का शिखर वाला स्थित है। 84,000 योजन उसकी ऊंचाई है और 16,000 योजन पृथ्वी में धसा है। 16,000 योजन तक वह पृथ्वी पर फैला हुआ है। महेश्वर के शुभ अंग से स्पर्श होने पर यह स्वर्णमय है। धतूरे के फूल के समान यह सभी देवताओं का शुभ स्थान है। यह देवताओं की क्रीड़ा भूमि है। पूर्व की ओर पद्मराग मणि की शोभा वाला है। दक्षिण में सोने के समान, पश्चिम में नील मणि के समान तथा उत्तर में विद्रुम के समान शोभा वाला है। अमरावती नाम की नगरी इस पर नाना प्रकार के महलों से युक्त पूर्व भाग में स्थित है, जो नाना प्रकार के देवगणों के सहित मणियों से शोभा संपन्न है। अनेक प्रकार के बंधनवारों से युक्त तथा अप्सराओं में गौरवशाली है। नाना प्रकार के फूल, बावड़ी, नदी नालों से युक्त है, जिसमें सुवर्ण और मणियों की सीढ़ी बनी है। अतः यह अमरावती सभी भोगों से युक्त है। मेरु पर दक्षिण में यमराज की वैवस्वती पुरी दिव्य भवनों से युक्त है। नैरुत में कृष्ण वर्ण शुद्धवती, वायव्य में गंधवती, उत्तर और ईशान में यशोमती पुरी है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के स्थान है। यक्ष, गंधर्व, मुनि श्रेष्ठों के द्वारा यह सदा सेवित है। पर्वत के ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान विमान स्थित है। उसमें महाभुजा वाले सूर्य, चंद्र, अग्नि के 3 नेत्र वाले देवी तथा षडमुख के साथ ऊंचे सिंहासन पर विराजते हैं। उससे नीचे विष्णु भगवान का विमान, उससे नीचे दक्षिण में ब्रह्मा जी का पद्म राग मणि का विमान है। फिर शक का, सोम का, वरुण का, पावक का, वायु का दिव्य विमान विराजमान है। ईशान में ईश्वर क्षेत्र है, जहाँ नित्य सिद्धेश्वरों के द्वारा रुद्र की पूजा होती है। वहाँ पर कहीं योग भूमि है और कहीं भोग भूमि है। बाल सूर्य के समान चमकता हुआ सूर्य स्थिर रहता है। पर्वत पर जम्बू नाम की नदी तथा दक्षिण भाग में जम्बू नाम का एक वृक्ष है, जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, जिस पर सभी कालों में फल लगे रहते हैं। मेरु के चारों तरफ अधिक विस्तार वाला इलावृत नाम का देश है। वहाँ के लोग जम्बू फल खाने वाले तथा कोई अमृत पीने वाले लोग रहते हैं। यहाँ नाना प्रकार के रंग वाले भोगी सर्प भी रहते हैं। यहाँ 9 देश नदी नालों से सुशोभित हैं, जो अति श्रेष्ठ हैं।
अब मैं जम्बूद्वीप के 9 देशों का विस्तार से वर्णन करूंगा। मर्यादा सहित पर्वतों का वर्णन। सूची बोले, 50 करोड़ योजन विस्तार वाले समुद्र तथा 7 द्वीपों और लोकालोक पर्वतों से पृथ्वी युक्त है। मेरु से उत्तर में नील पर्वत, उससे उत्तर में श्वेत है तथा उससे उत्तर में श्रृंगी पर्वत है। यह उस देश के पर्वत हैं। पूर्व दिशा में जठर और देवकूट पर्वत हैं। मेरु से दक्षिण में निषद, उससे दक्षिण में हेमकूट, उससे भी दक्षिण में हेमवान है। मेरु से पश्चिम में माल्यवान और गंधमादन 2 पर्वत हैं। ये पर्वत राज सिद्ध चरणों से सेवित हैं। यह हेमवत नाम का वर्ष भारत के नाम से प्रसिद्ध है। मेरु पर्वत के पूर्व में मंदर नाम का पर्वत, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श्व नाम के पर्वत राज हैं। मंदर पर्वत पर 4 लंबी शाखा के वृक्ष हैं, जो केतु के समान है। कदम, जामुन, पीपल तथा वट के 4 वृक्ष हैं। चारों ओर क्रीड़ा वन है। पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभराज, उत्तर में सवितुर वन है। 4 ही उस पर महान सरोवर हैं। इनमें मुनि लोग क्रीड़ा करते हुए विचरते हैं। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में सितोद, उत्तर में महाभद्र सरोवर है। अरुणोद सरोवर से पूर्व में बहुत से पर्वत हैं, जिन्हें मैं संक्षेप से कहता हूँ। सितान, कुरुंड, कुरर, विकार, मणि, शैल इत्यादि पर्वत हैं। मंदर पर्वत के पूर्व दिशा में सिद्धों का वास है। वहाँ पर्वतों की गुफा में और वनों में रुद्र क्षेत्र है। मानस सरोवर के दक्षिण में बहुत से पर्वत हैं, जिनमें दिव्य रुद्र क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। दिव्य पर्वतों के ऊपर देव शंकर के असंख्य धीमान हैं, जिनमें शिव जी की कृपा से अनेक सिद्ध और मुनि लोग वास करते हैं। इसी प्रकार से पातालों की भी स्थिति है। वहाँ भगवान विष्णु की साक्षात मूर्ति भगवान हलायुध विद्यमान है। वहाँ देव देव की शैया है। पनस वृक्षों के वन में श्री शुक्राचार्य सहित उरग रहते हैं। मनोहर वन में करोड़ों संख्याओं के वृक्ष हैं। वहाँ गणों के साथ नंदीश्वर शिव की स्तुति करते हैं। संतानक स्थली के मध्य में साक्षात देवी सरस्वती रहती है। इस प्रकार संक्षेप से मैंने वन तथा पर्वतों में रहने वाले इन वनवासियों की कथा तुमसे कही है। इनका वर्णन विस्तार से मैं नहीं कह सकता। भगवान की रचना से देशों का वर्णन। सूत जी बोले, शीतान पर्वत पर पारिजात वन में इंद्र, उसके पूर्व में कुमुदादि पर्वत हैं। वहाँ दानवों के 8 पर्वत हैं। सुवर्ण कोटर में भी राक्षसों के स्थान हैं। नीलक लोगों के भी 67 नगर हैं। नील पर्वत पर भी 15 नगर हैं। किन्नर और विद्याधरों के महाशैल पर 3 पुर हैं। बैकुंठ में श्रीमान गरुड़, करंज में नील लोहित और वसुधार में वसुओं का निवास स्थान है। रत्न घाट पर सप्त ऋषियों के 7 स्थान है। गज शैल पर दुर्गा आदि के स्थान है। सुमेरु पर वसुओं का स्थान है। सुनील पर राक्षसों का वास है। पंचकूट पर 5 करोड़ नगर है। शतश्रृंग पर यक्षों के 100 पुर है। श्वेतोदर पर सुपर्ण का स्थान, पिशाचक पर कुबेर का तथा कुमुद पर किन्नरों का, सहस्त्र शिखर शैल पर दैत्यों का निवास रहता है। मुकुट पर पन्नगों का, पुष्प केतु पर मुनीश्वरों का वास है। तक्षक शैल पर 4 स्थान है, जहाँ पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र का तथा गुह सुमेर तथा सोम भी स्थान बनाकर रहते हैं। श्री कंठ की पर्वत गुहा में उमा सहित शंकर निवास करते हैं। श्री कंठ के अधिकारी देवेश्वर शंकर ही हैं। इस अंड की उत्पत्ति शंकर से हुई है, इसमें संशय नहीं है। वैसे अनंत, ईश आदि को भी अंड पालक कहे गए हैं और विद्येश्वर आदि चक्रवर्ती भी हैं। श्री कंठ से अधिष्ठित स्थान मर्यादा पर्वतों पर संक्षेप से मैंने कहा है। यह संपूर्ण चराचर जगत श्री कंठ से ही अधिष्ठित है। प्रलय की अग्नि अर्थात शिव तक का वर्णन मैं विस्तार से भला कैसे कर सकता हूँ। भुवन कोश में स्थित अनेकों द्वीपों का वर्णन।
सूत जी बोले, सुशोभन महाकूट गिरी के बीच में देवकूट पर्वत है, जो सोना, नीलम, गोमेद, वैदुर्य आदि की कांति वाला तथा अनेकों मणियों से निर्मित चंपक, अशोक, पुन्नाग, बकुल आदि के वृक्षों से सुशोभित है। अनेक प्रकार के झरने, पुष्पों की वर्षा करने वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान है। 10 योजन विस्तार वाला नाना भूत गणों से युक्त यहाँ भूत वन है। उसमें महामणियों से स्थित शंकर भगवान का प्रकाश वाला स्थान है। वह स्थान सोने के परकोटा वाला तथा मणियों से बंधनवार वाला है। वही मणियों के सिंहासन पर नाना मणियों और वस्त्रों से युक्त विचित्र मंडपों, वराह, शार्दूल आदि के चिन्ह वाला नंदीश्वर गणों से सुशोभित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र के समान मूर्तियों से युक्त देवताओं के प्रभु शंकर जी का निवास है। देवता लोग उनकी सदा पूजा करते हैं। शंख, झालर आदि का शब्द निरंतर होता है। देवगण, सिद्ध आदि सदा शंकर की पूजा करते हैं। यहाँ देवराज कुबेर आदि का स्थान है, अन्य करोड़ों यक्षों का भी स्थान है। यहाँ गणों सहित हर की पूजा होती है। वही मंदाकिनी नाम की नदी है, जिसके सुवर्ण और मणियों के सोपान है। यहाँ जम्बू नदी में पद्म गंध स्पर्श से युक्त नाना प्रकार के कमल खिले हैं। यक्ष, गंधर्व, अप्सरा आदि इस नदी का सेवन करते हैं। देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इस पवित्र मंदाकिनी के जल का सेवन करते हैं। उस नदी के उत्तर की ओर महादेव जी का सुंदर स्थान है, जो वैदुर्य मणि आदि से संपन्न है। उसमें शंकर जी विराजते हैं। वहाँ गणों सहित अंबिका सहित शिवजी महाराज क्रीड़ा करते हैं। वहीं पर अनेक महलों से युक्त रुद्रपुरी नाम का नगर है। वहाँ अपने स्वरूप को सैकड़ों प्रकार का बनाकर शंकर जी अंबिका और गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ऐसे शंकर जी के हजारों स्थान हैं, जिन्हें शिवालय कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रत्येक द्वीप में, पर्वतों पर, नदियों के किनारों पर तथा समुद्रों की संधियों पर अनेकों शिवजी के स्थान हैं। भुवन कोश का स्वभाव। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे बहुत सी जल वाली नदी और सरोवरों को कहा, जो असंख्य हैं। कोई पूर्व मुख वाली, कोई दक्षिण मुख वाली है, जो हर देश में कही है। आकाश रूपी समुद्र में जो सोम कहा है, वह संपूर्ण भूतों का आधार है और देवताओं के लिए अमृत का भंडार है। उससे निकली हुई आकाश की नदी अमृतोदका नाम वाली है। वह ज्योतिषमती है, करोड़ों तट और आकाश से युक्त है। जैसे सोम है, वैसे ही वह दिनों दिन बदलती रहती है। वह 84,000 योजन ऊंची है। वहाँ बहुत ऊंचा मेरु है। वहाँ श्री कंठ अम्बा के साथ क्रीड़ा करते हैं। वहीं पर मेरु की परिक्रमा करती हुई पुण्य जल वाली नदी आती है, जो मेरु पर्वत के चारों शिखर पर गिरती हुई महादेव जी की आज्ञा से समुद्र में गिरती है। इससे निकली अनेक नदियाँ सब द्वीपों और पर्वतों में बह रही है। ऐसी नदियाँ असंख्य हैं। गंगा तो अंबर से ही आई है। भद्राशव देश में स्त्री और पुरुष सभी चंद्रमा की सी शक्ल वाले हैं, जो काले आम के रस का भोजन करने वाले हैं और शिव जी की कृपा से 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, तथा रमणीक देश में जीव वट के फल का भोजन करते हैं। वे 11,500 वर्ष तक जीवित रहकर शिव का ध्यान करते हैं। पुरु वर्ष में स्वर्ग से आए हुए सभी जीव मैथुन से उत्पन्न होते हैं तथा दूध का भोजन करते हैं। भारत वर्ष में मनुष्य कर्म के अनुसार आयु वाले, नाना वर्ण वाले, छोटे कद के होते हैं, जो 100 वर्ष की आयु वाले हैं। वे अनेक देवों के पूजन में लगे रहते हैं तथा अनेकों प्रकार के कर्मों का फल भोगते हैं। वे सभी कमजोर तथा थोड़े भोगी होते हैं। नाग द्वीप, सौम्य द्वीप, वारण द्वीपों में उत्पन्न होने वाले जीव कोई मल्लेच तथा कोई पुलिंद होते हैं। भारतवर्ष के लोगों की प्रवृत्ति स्वर्ग और अपवर्ग में होती है। किम पुरुष देश में रहने वाले पुरुष सोने के से रंग वाले तथा स्त्रियां अप्सराओं के तुल्य होती हैं।
10,000 वर्ष तक जीवित रहती हैं, उन्हें रोग तथा शोक नहीं होता, वे प्लक्ष का भोजन करते हैं। हर वर्ष देश के जीव देवलोक से आए हुए देवताओं के से आकार वाले होते हैं, चांदी के से रंग वाले होते हैं, उन्हें मृत्यु की जरा भी बाधा नहीं है। ईख के रस का पान किया करते हैं और शंकर जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं। किला व्रत में रहने वाले 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वहाँ न तो सूर्य तपता है, न चंद्र नक्षत्र चमकते हैं। शंकर के प्रभाव से वे कमल के समान सुंदर आकार वाले होते हैं। जम्बू द्वीप के रहने वाले जम्बू रस का पान करते हैं, उनको जरा तथा भूख बाधा नहीं पहुँचाती, उनको ग्लानि तथा मृत्यु भी नहीं सताती है। इस प्रकार 9 द्वीपों के रहने वालों के वर्ण आयु आदि का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। पितरीश्वरों का स्थान श्रृंगवान पर्वत कहा गया है। हिमवान भूतों का, यक्षों का तथा ईश्वर का भी स्थान कहलाता है। इसके अलावा सभी पर्वतों पर अम्बा के साथ और गणों के साथ भगवान नील लोहित वास करते हैं। ये सभी पर्वत राज जम्बू द्वीप में ही स्थित हैं। भुवन कोश की रचना का वर्णन। सूची बोले, हे द्विजो, प्लक्ष आदि 7 द्वीपों में 7-7 देश व पर्वत स्थित हैं। प्लक्ष द्वीप में गोभेदक, चांद्र, नारद, दुंदुभी, सोयक, सुमना, वेभराज ये 7 पर्वत हैं। ऐसे ही शालमली द्वीप में कुमुद, उत्तम, बलाहक, द्रोण, कंक, महेश, कुमुदमान नाम के 7 पर्वत हैं। कुश द्वीप में भी विदर्भ, हेम इत्यादि 7 पर्वत हैं। इसी प्रकार से क्रौंचादि द्वीपों में भी 7-7 पर्वत हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हैं। लोकालोक नामक पर्वत पर आधे भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तथा आधे में अंधकार ही रहता है। जनलोक, महलोक इत्यादि 7 लोक पुण्य लोक कहे गए हैं। नीचे के 7 लोक नरक लोक कहे गए हैं, जिनमें पापी जन अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ब्रह्मांड के सभी लोकों में अष्टमूर्ति भगवान व्याप्त हैं। एक बार यक्ष रूपी भगवान शिव को देखकर वायु, अग्नि आदि सबकी शक्ति नष्ट हो गई। अग्नि एक छोटे से तिनके को भी नहीं जला सका, वायु उसे उड़ा नहीं सका, इत्यादि सभी देव शक्तिहीन हो गए। तब इंद्र ने यक्ष से पूछा, आप कौन हैं? तब यक्ष अंतर ध्यान हो गए और अंबिका प्रकट हुई। तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने पूछा, हे ईश्वरी, हे देवी, यह यक्ष रूप में कौन थे? देवी ने कहा, ये साक्षात परम ब्रह्म शिव भगवान थे। तब तो सबने देवी को प्रणाम किया। देवी ने कहा, मैं ही पूर्व में प्रकृति रूप हूँ और पुरुष रूप शिव हैं। इन्हीं शिव की आज्ञा से प्रकृति रूप में सकल ब्रह्मांड की रचना करती हूँ। हे ब्राह्मणों, यह ज्योतिष गणों सहित सब जगत अजा स्वरूप ही है, ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। अंड में ज्योतिष गणों के प्रचार का कथन। सूची बोले, अब मैं ज्योतिष गणों का प्रचार तथा संक्षेप से ब्रह्मांड के विषय में कहता हूँ। मानस के ऊपर मेरु पर पूर्व की ओर महेंद्रपुरी है, दक्षिण में वारुणीपुरी है, पश्चिम में अमरावती तथा उत्तर में संयमनीपुरी है। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तब शीघ्र गति होती है, उत्तरायण में मंद गति होती है। जब आग्नेय में रहते हैं तब प्रहान समय में और जब नैऋत्य दिशा में रहते हैं तब पूर्वाहन समय होता है। वायव्य में रहने पर अपराहन तथा ईशान में पूर्व रात्र होती है। रथ सहित चलते हुए सूर्य की देवमुनि, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस आदि अग्र षष्ठ से स्तुति करते हुए चलते हैं। सूर्य की गति से ही 30 घड़ी का दिन तथा 30 घड़ी की रात्रि विद्वान लोग कहते हैं। सूर्य ही अपने किरणों से वायु के द्वारा जल खींचता है तथा पृथ्वी पर वर्षा करता है। जल ही जगत का प्राण है, जल शिव रूप है और अर्धनारी रूप वाले शिव ही सूर्य रूप से जल की वर्षा करते हैं। हे ब्राह्मणों, इन शिव के प्रसाद से ही नाना प्रकार से वृष्टि होती है। सूर्य रथ निर्णय वर्णन। सूची बोले, हे मुनियों,
अब मैं आप लोगों से संक्षेप में सूर्य के रथ का तथा चंद्र और ग्रहों के रथ का वर्णन करता हूँ। सूर्य का रथ सुवर्णमय है, जो ब्रह्मा ने रचा है। संवत्सर इस रथ के अवयव हैं। यह 3 नाभि का चक्र और 5 अरा वाला है। इस रथ को 9 सहस्त्र योजन का विस्तार है। 7 घोड़े हैं, जो छंदों से निर्मित हैं। देवता तथा मुनिजन दिन रात्रि भास्कर रूपी शिव की स्तुति करते हैं। त्वष्टत, विष्णु, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भारद्वाज, गौतम आदि ऋषि, तक्षक, एलापत्र आदि नाग, हाहाहुहु गंधर्व, घृताची, पूर्व चित्ती आदि अप्सराएं ये सब सूर्य मंडल में ही बसते हैं। इस प्रकार एक चक्र वाले रथ में, जिसमें हरे रंग के 7 घोड़े जुटे हुए हैं, ऐसे सूर्य दिन रात यात्रा करते हैं। रात्रि दिन आदि का विभाग सूर्य से ही होता है। 7 द्वीपों वाली समुद्र पर्यंत भूमि की यात्रा सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ से पूर्ण करते हैं। चंद्रमा के रथ का वर्णन। सूत जी बोले, नक्षत्रों पर विचरने वाले चंद्रमा का रथ 3 चक्र वाला, 100 अरा और 10 सफेद घोड़ों से युक्त है। सोम देवताओं और पितृजनों के साथ शुक्ल पक्ष में सूर्य से ऊपर गमन करते हैं। पूर्णमासी को वह पूरे मंडल सहित दिखते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया से 14 तक देवता उनके अंबुमय सुधा का पान करते हैं। इसके बाद वह सूर्य के तेज से फिर वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इस तरह कृष्ण पक्ष में कलाओं के क्षय और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती रहती है। पितृ अमावस्या को चंद्रमा में ही रहते हैं और अमृत पान कर 1 महीने को तृप्त होकर चले जाते हैं। इस प्रकार वृद्धि और भय को प्राप्त हुए चंद्रमा को वृद्धि शुक्ल पक्ष में सूर्य द्वारा ही मिलती है। ज्योतिष चक्र में ग्रह चाल का प्रतिपादन। सूत जी बोले, 8 घोड़ों से युक्त जल तेजोमय बुध का रथ है। इसमें घोड़े लटे हुए नहीं है। वर्ण सुंदर सुंदर नाना वर्ण वाले घोड़े हैं। शुक्राचार्य का 8 घोड़ों का, मंगल का स्वर्णमय रथ तथा गुरु का भी हेममय रथ 8 घोड़ों वाला है। शनि का लोहे का रथ 10 घोड़ों का, जो काले रंग के हैं, ऐसा रथ है। राहु का भी 8 घोड़ों का रथ है। यह सब बात रूपी रस्ते से ध्रुव में बंधे हैं। जितने तारे हैं उतनी ही रस्सी है। ये सब घूमते हुए ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। 9000 योजन सूर्य का विस्कंभ है और तिगुना उसमें मंडल का विस्तार है। सूर्य के मंडल से दुगना चंद्रमा का विस्तार है। उन दोनों के समान ही राहु का विस्तार है, जो नीचे चलता है। दक्षिणायन मार्ग से जब सूर्य चलता है, तब सब ग्रहों से नीचे चलता है। उससे ऊपर चंद्रमा, उससे ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र तथा शुक्र के ऊपर बृहस्पति, उससे ऊपर शनिश्चर, उससे ऊपर सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर ध्रुव स्थित है। उसी ध्रुव को विष्णु लोक परम पद कहा है, जिसको जानकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने यह सूर्य आदि ग्रहों की संक्षेप से स्थिति कही है। जैसा देखा तैसा सुना, ब्रह्मा ने ग्रहों के स्वामी सूर्य का अभिषेक किया तथा रुद्र ने गुह को अभिषेक किया। इसलिए सूर्य आदि ग्रहों की पीड़ा में कार्य सिद्धि के लिए विद्वानों को यथाविधि अग्नि में हवन इत्यादि से अर्चना करनी चाहिए। सूर्य का अभिषेक वर्णन। ऋषि बोले, ब्रह्मा ने देव दैत्यों को जिस प्रकार से आधिपत्य के लिए अभिषिक्त किया, वह सब कहिए। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा ने ग्रहों के आधिपत्य में भगवान सूर्य को, नक्षत्रों और औषधि के स्वामित्व में सोम को, जल का वरुण को, धन का कुबेर को, आदित्यों में विष्णु को, वसुओं में पावक को, प्रजापतियों में दक्ष को, देवताओं में इंद्र को, दैत्य और दानवों में प्रहलाद को, पितरों में धर्म को, राक्षसों में निरति को, पशुओं में रुद्र को, नंदियों में गण नायक को, वीरों में वीरभद्र को, मातृयों में चामुंडा को, रुद्रों में नील लोहित को,
विघ्नों का गजानन को, स्त्रियों में उमा देवी को, वाणी का सरस्वती को, पर्वतों का हिमालय को, नदियों में गंगा को, समुद्रों में क्षीर सागर को, वृक्षों में पीपल को, गंधर्व विद्याधर किन्नरों का चित्र रथ को, नागों का अधिपति वासुकी, सर्पों का तक्षक को, पक्षियों का गरुड़ को, घोड़ों का उच्चैः श्रवा को, वन के पशुओं का सिंह को, गौओं का वृषभ को, सेना का अधिपति गुह को अभिषिक्त किया। इसी प्रकार पृथ्वी का अधिपति पृथु को, चतुर मूर्तियों में सर्वज्ञ शंकर को अभिषेक किया। सो हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें विस्तार से कह दिया। जिनको पद्म योनि ब्रह्मा ने अधिपति बनाकर अभिषेक किया था। सूर्य के किरणों का वर्णन। सूत जी बोले, संशय में युक्त मुनि लोगों ने पूछा कि हे सूत जी, ज्योति का निर्णय विस्तार से कहिए। हे मुनियों, सूर्य चंद्र आदि की गतियों को पितामह ब्रह्मा ने इस लोक में अग्नि का विभाग किया है। सो पार्थिव दिव्य आदि भेद से अनेक प्रकार के हैं। वैदिक, जाठर, सौर, ये तीनों अग्नि जल गर्भ वाली है। इससे सूर्य अपनी किरणों से जल पीता हुआ चमकता है। जल से पैदा हुई अग्नि जल से नहीं शांत होती। मनुष्यों के उदर में जो अग्नि है वह भी शांत नहीं होती। सूर्य उदय होता है और जल में शांत होता है। इसी को दिन और रात का विभाग कहते हैं। चंद्रमा भी मनुष्य, पितृ तथा देवताओं को तृप्त करता है। मनुष्यों को औषधियों से, सुधा से पितरों को तथा अमृत से देवताओं को तृप्त करता है। हेमंत में तथा शिशिर ऋतु में बर्फ को उत्पन्न करता है। माघ मास में सूर्य वरुण नाम से, फाल्गुन में सूर्य नाम से, चैत मास में अंशु नाम से, वैशाख में तापन नाम से, जेठ में इंद्र नाम से, आषाढ़ में अर्यमा नाम से, सावन में विवस्वान नाम से, भाद्रपद में भग नाम से, क्वार में पर्जन्य नाम वाला, कार्तिक में त्रिष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु नाम से कहा गया है। वसंत ऋतु में सूर्य कपिल रंग का, ग्रीष्म में कांचन वर्ण का, वर्षा में श्वेत वर्ण का, शरद ऋतु में पांडु रंग का, हेमंत में ताम्र वर्ण का तथा शिशिर में लोहित वर्ण का होता है। सूर्य भी औषधियों को बल देता है तथा सुधा से पितरों को तृप्त करता है और अमृत से देवों को तृप्त करता है। इस प्रकार लोकों में कार्य सिद्ध करने वाली हजारों रश्मियां सूर्य की कही गई हैं, जो लोकों में प्राप्त होकर ठंडी गर्म आदि हो जाती हैं। सूर्य नाम वाला भास्कर का मंडल शुक्ल वर्ण का है। नक्षत्र ग्रह आदि की स्थिति इसी में है और यही सबकी योनि है। चंद्र नक्षत्र ग्रह सब सूर्य से ही उत्पन्न है। नक्षत्रों का स्वामी शिव जी का बायां नेत्र है, भास्कर शिव का दायां नेत्र है। सूर्य की प्रभा का वर्णन। सूत जी बोले, शेष पांच ग्रह भी स्वतंत्र सामर्थ्यवान ईश्वर ही हैं। देवताओं का सेनापति स्कंद है, वह मंगल ग्रह है। ज्ञानी लोग बुध को नारायण रूप कहते हैं। यमराज महाग्रह मंदगामी शनिश्चर है। देवताओं के और असुरों के गुरु महाकांति वाले बृहस्पति और शुक्र ग्रह कहे हैं। अखिल लोक का मूल सूर्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी से संपूर्ण देव दानव और असुर आदि उत्पन्न होते हैं। रुद्र इंद्र उपेंद्र चंद्र अग्नि आदि सब देवताओं में कांति संपूर्ण तेज जो भी है वह सर्वात्मा महादेव जी का ही है। तीनों लोकों का स्वामी सब देवताओं का मूल सूर्य ही है। उसी में सब लय होता है और उसी से सब उत्पन्न होता है। उसी से क्षण मुहूर्त दिन रात पक्ष मास ऋतु संवत्सर काल संख्या का ज्ञान होता है। काल के बिना न नियम है, न दीक्षा है और न क्रम है। ऋतु विभाग यदि न हो तो पुष्प फल मूल आदि कैसे हो। धान्य तृण
और औषधियों की उत्पत्ति आदि का अभाव हो जाएगा। जगत को प्रकाशित करने वाला भास्कर रुद्र रूप ही है, वही काल रूप है, वही अग्नि रूप है, वही 12 प्रकार का प्रजापति है, वही चराचर तीनों लोकों का तपाता है। जैसे प्रभाकर दीपक ग्रह मध्य में रहकर ऊपर नीचे तथा आसपास के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार हजारों किरणों वाला सूर्य जगत को प्रकाशवान करता है। सूर्य की हजारों प्रकार की किरणों का वर्णन मैंने पहले कहा है। उनमें 7 किरणें अति श्रेष्ठ हैं, वे ग्रहों की योनि है, सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, अनद, सर्वावसु, स्वराट, ये 7 किरणें मुख्य हैं। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से ही नक्षत्र, ग्रह और तारे आकाश में सब दिखते हैं। फिर यह संसार इसी प्रकार होता रहता है। ये नक्षत्र क्षय को प्राप्त नहीं होते, इससे नक्षत्र कहा जाता है। ग्रहों की स्थिति का वर्णन। सूत जी बोले, ये सब क्षेत्र सूर्य की किरणों के द्वारा भी भासित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के मंडल आकाश में चमकते हैं। ये गोल घड़े के समान जलमय और तेजमय हैं। चंद्रमा का मंडल घन जलात्मक और सूर्य का मंडल घन तेजोमय है। सब देवताओं के ये स्थान है। 100 स्थान में सूर्य और 100वें स्थान में सोम प्रवेश करता है। शौक्र में शुक्र, बृहत से बृहस्पति, लोहित स्थान में मंगल और शनैश्चर स्थान में शनि, बौध में बुध, स्वर भानु स्थान में राहु, विवस्वान में सूर्य का स्थान अग्निमय है। हिमांशु चंद्रमा का स्थान सफेद और जलमय है। 9000 योजन सूर्य का विस्कंभ है। सूर्य से दुगना विस्तार चंद्रमा का है। उन दोनों के बराबर राहु है, जो नीचे नीचे चलता है। वह इनको पीड़ा देता है, इससे स्वर भानु कहा जाता है। विवस्वान सूर्य अदिति का पुत्र विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार शीतल किरणों वाला चंद्रमा उत्पन्न हुआ। इसी तरह अन्य ग्रहों की भी उत्पत्ति जाननी चाहिए। 4 प्रकार के भूतों के प्रवर्तक और निवर्तक भगवान रुद्र हैं। इस प्रकार ज्योतिष चक्र का सन्निवेश लोकों की स्थिति के लिए महादेव ने ही निर्माण किया है। ज्योतिष चक्र का गतागत ज्ञान चर्म नेत्रों वाले पुरुष शास्त्र से, अनुमान से तथा प्रत्यक्ष देखकर करते हैं। ज्योतिष चक्र का मान निर्णय करने में चक्षु, शास्त्र, जन्म, लेख्य और गणित 5 हेतु जानने चाहिए। भुवन कोश में ध्रुव की स्थिति का कथन। ऋषि बोले, विष्णु भगवान की कृपा से सब ग्रहों का मेड़ी भूत किस प्रकार रहे, सो हमारे प्रति कहने की कृपा करो। सूत जी बोले, इसी प्रकार मैंने मार्कंडे ऋषि से पूछा था और जो उन्होंने मुझे बताया वह तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ। मार्कंडे बोले, सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा उत्तानपाद नाम वाला इस पृथ्वी पर राज्य करता था। उनके सुनीति और सुरुचि नामक 2 स्त्रियाँ थी। बड़ी रानी सुनीति थी, जिसका पुत्र कुल का दीपक ध्रुव था। जब यह 7 वर्ष का हुआ तब पिता की गोद में बैठा हुआ था। सुरुचि ने इसका तिरस्कार करके इसको गोदी में से हटाकर अपने पुत्र को बिठा दिया। तब यह रोता हुआ अपनी माता के पास आया। तब इसकी माता बोली, हे पुत्र, तू ध्रुव स्थान को प्राप्त कर, जो कभी चलायमान ही नहीं होता है। माता के वचन सुनकर वह वन को चला गया। वहाँ इसको विश्वामित्र ऋषि मिले। उन्हें प्रणाम करके सब वृत्तांत सुनाया। मुनि बोले, तू कलेशों के नाश करने वाले केशव भगवान का ध्यान कर, जो भगवान शंकर के दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का तू जप कर। तब ध्रुव ने इस मंत्र का बड़ी निष्ठा से सहस्त्रों वर्षों तक जप किया। तब काले मेघ के समान कांति वाले विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर प्रकट हुए। शंख के भाग से गोविंद ने ध्रुव के मुख का स्पर्श किया, जिसके प्रभाव से वह परम ज्ञान को प्राप्त कर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, सबसे ऊपर जो ध्रुव नाम का स्थान है,
उसे तू अपनी माता के साथ प्राप्त कर। देवता, गंधर्व, सिद्ध ऋषि उस स्थान की परिक्रमा करते रहते हैं। विष्णु भगवान की आज्ञा से ध्रुव ने ज्योतिष चक्र के उत्तम स्थान को प्राप्त किया। महान तेज वाले ध्रुव द्वादश अक्षर मंत्र विद्या से इस बड़ी भारी सिद्धि को प्राप्त हुए। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें संक्षेप से कहा, जो वासुदेव भगवान को प्रणाम करता है वह ध्रुव लोक को प्राप्त कर ध्रुव सालोक्यों को प्राप्त करता है। देवादिकों की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, देवताओं की, दानवों की, गंधर्वों की उत्पत्ति भी हे सूत जी हमसे कहिए। सूत जी बोले, पूर्व की सृष्टि संकल्प मात्र से, दर्शन से तथा स्पर्श से ही हुई। दक्ष के बाद सृष्टि मैथुन के द्वारा उत्पन्न होने लगी। जब देव ऋषि पन्नगों की सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब मैथुन से सृष्टि उत्पन्न हुई। दक्ष ने पंच सूती स्त्री में 10,000 पुत्र पैदा किए। उनको देखकर प्रजा की रचना के लिए दक्ष ने कहा, नारद जी उन दक्षों के पुत्रों से बोले कि तुम पृथ्वी का प्रमाण जानकर पीछे से सृष्टि करना। वे नारद के वचन सुनकर तपस्या के लिए चले गए और लौटकर नहीं आए। इसके बाद दक्ष ने पुनः अपनी स्त्री से 10,000 पुत्र पैदा किए, जो शवल नाम वाले थे। नारद ने उनके पास जाकर भी यही कहा कि पहले तुम भू के प्रमाण को जानो तथा अपने भाइयों की गति को प्राप्त करो, तब सृष्टि रचना करना। वह भी नारद के वचन से तपस्या करके अपने भाइयों की गति को प्राप्त हुए और लौट कर नहीं आए। तब दक्ष प्रजापति ने वैरिणी नाम की स्त्री में 60 कन्या पैदा की। उनमें से 10 धर्म को प्रदान की, 13 कश्यप के लिए और 27 सोम के लिए तथा 4 अरिष्ट नेमी के लिए, 2 भृगुपुत्र के लिए, 2 कृशाशव के लिए, 2 अंगिरा के लिए प्रदान की। अब मैं हे मुनीश्वरो इन देवताओं के नाम विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। मरुत्वती, वसु, अर्यमा, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, महुर्ता, साध्या, विश्वभामिनी, ये धर्म की पत्नी थी। इनके पुत्र ये हैं, विश्वभामिनी से विश्वदेवा पैदा हुए, साध्या से साध्य, मरुत्वती में वरुद्वान, वसु से वस्व, भानु से भानव, महुर्ता से महुर्तिक, लंबा से घोष, संकल्पा से संकल्प इत्यादि पुत्र हुए। वसु से 8 वसु पैदा हुए, जिनके नाम अजेयपाल, अहर ब्रह्म इत्यादि है। कश्यप की पत्नी के जो पुत्र पैदा हुए उन्हें कहता हूँ। कश्यप की स्त्री अदिति, दिति, अरिष्टा, सुरसा, मुनि, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोध, वशा, ईला, कद्रु, विषाद, अंग इत्यादि थी, जिनके पुत्रों को भी कहता हूँ। चाक्षुष मन्वंतर में त्वषित नाम के देवता हैं। वह वैवस्वत मन्वंतर में 12 आदित्य हुए, जिनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, उषा, अंशमान, विष्णु। ये हजारों किरणों वाले 12 आदित्य हैं। कश्यप के दिति से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम हिरण्य कश्यपु और हिरण्याक्ष है। दनु में कश्यप से 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें वी प्रचित प्रधान था। ताम्रा ने 6 कन्याएं जनी, वे शुकी, श्वेनी, सुग्रीवी, गृधिका, भासी, शुनी नाम वाली थी। शुकी ने शुक और उलूकों को पैदा किया, शयनी ने शयनों को, भासी ने कुरंगों को पैदा किया। गृधिका से गृध तथा कपोत पारावत, हंस, सारस, कारण, प्लव पक्षियों को शुचि ने उत्पन्न किया। सुग्रीवी ने अज, मेष, खट, ऊंट आदि जने। विंता ने गरुड़, अरुण जने। कद्रु ने 1,000 सिर वाले हजारों नागों को उत्पन्न किया, जिनमें 26 प्रधान कहे हैं। शेष वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्माश्वतर, तक्षक आदि कहे हैं।
क्रोध वंशा रक्षो गणों को उत्पन्न करती हुई किन्नर गंधर्वों को अरिष्टि ने पैदा किया। त्वष्टा ने यक्ष और राक्षसों को उत्पन्न किया। ये कश्यप ऋषि की संतान संक्षेप में कही। इनका पुत्र और पौत्रों का वंश तो बहुत सा है। कश्यप ने गोत्र की कामना से फिर तप किया कि गोत्र को चलाने वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो। तब उनके ब्रह्मवादी दो पुत्र हुए। इनका नाम वत्सर और असित हुआ। वत्सर ने नैभुत और रैम्प दो पुत्र हुए। असित से एक पर्णा नामक स्त्री में ब्रह्मिष्ट पैदा हुआ। वशिष्ठ ने अरुंधति नामक पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़ा शक्ति था। शक्ति की स्त्री अदृश्यंती में पराशर उत्पन्न हुए। शक्ति को रुधिर नाम के एक राक्षस ने भक्षण कर लिया। पराशर से काली ने द्वैपायन पुत्र उत्पन्न किया। द्वैपायन ने अरुणी में शुक नामक पुत्र उत्पन्न किया। पितरों की पुत्री पीवरी से शुक के भूरिश्रवा, उपमन्यु, प्रभु, शंभु, कृष्ण आदि 5 पुत्र हुए। एक कार्तिमती नाम की कन्या भी हुई। पराशरों के 8 पक्ष कहे हैं। वशिष्ठ से घृताची में कपिंजल पैदा हुआ, जो त्रिमूर्ति कहा जाता है। उपमन्यु की संतान बहुत है। वशिष्ठ के भी 10 पक्ष हैं। ये सब ब्रह्मा के मानसिक पुत्रों का वर्णन किया गया है, जिनके की भूमि पर अनेक वंश प्रचलित हैं। इस प्रकार ये देव ऋषि कुल में उत्पन्न पुत्र और पौत्र हजारों की संख्या वाले हैं। ये त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। इनसे तीनों लोक इस प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार संसार की किरणों से व्याप्त है। वशिष्ठ के वंश वर्णन में पराशर के लिए पुलस्त्य द्वारा पुराण रचना का वरदान। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुधिर राक्षस ने छोटे भाइयों के साथ शक्ति ऋषि को कैसे खा लिया, यह कथा हमें कहिए। सूत जी बोले, रुधिर नाम का राक्षस वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को अनुजों सहित भक्षण कर गया। वशिष्ठ जी कल्माषपाद राजा के यहाँ यज्ञ करा रहे थे। विश्वामित्र से प्रेरित वह राक्षस भाइयों सहित शक्ति को भक्षण कर गया। वशिष्ठ ने जब यह सुना तो हा पुत्र कहते हुए अरुंधति के सहित शोक से युक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुत्र के बिना अब हम जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा निश्चय करके पर्वत की चोटी से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको इस प्रकार गिरता हुआ देखकर वशिष्ठ की पुत्र वधु शक्ति की स्त्री इनको समझाने लगी कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस शरीर की रक्षा करो। मेरे गर्भ में आपका पौत्र स्थित है, उसे आप शीघ्र ही देखोगे। ऐसे समझाकर उन्हें जल से मुंह धुलाकर आश्रम में ले गई। पुत्र वधु के वचनों को सुनकर वशिष्ठ को कुछ होश आया, परंतु पुनः दोनों ही वशिष्ठ और अरुंधति विलाप करने लगे। जैसे विष्णु की नाभि में विराजमान ब्रह्मा हो, वैसे ही गर्भ में स्थित उस कुमार ने वेद की एक ऋचा बोली। उसे सुनकर भगवान वशिष्ठ बड़े अचंभे में पड़ गए कि यह किसकी बोली है। तब आकाश में स्थित कमल नयन विष्णु भगवान ने वशिष्ठ से कहा, हे पुत्र प्रेमी वशिष्ठ जी, तुम्हारे पौत्र के मुख से ही यह ऋचा निकली है। शक्ति का पुत्र और तुम्हारा नाती यह बालक मेरे ही समान है, अतः तुम शोक को छोड़ दो। तुम्हारा यह नाती रुद्र की पूजा में परायण तथा रुद्र के प्रभाव से अपने कुल को तारेगा। इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भगवान को प्रणाम करके, हे पुत्र, तेरे पुत्र का दर्शन करके तेरी माता के साथ तेरे ही पास आऊंगा, ऐसा कहने लगे। अदृश्यंती भी अपने पेट को ताड़न करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब पति शोकाकुल उस अदृश्यंती को अरुंधति और वशिष्ठ ने उठाकर समझाया कि हे विचार वाली, तेरे गर्भ में स्थित शक्ति के पुत्र का मुख रूपी अमृत पान करने को हम जीवित हैं, तू इस देह की रक्षा कर। अदृश्यंती बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, अशुभ हो या शुभ हो, इस शरीर का मैं पालन करूंगी। भर्ता के बिना मैं दीन नारी दुखी हूँ। माता,
पिता, पुत्र, पौत्र, ससुर ये सब बांधव हैं, परंतु स्त्रियों की परागति तो पति ही है। मेरे हृदय की कठोरता देखो कि प्राण समान पति को त्याग कर अभी जीवित हूँ। ऐसे पुत्र वधु के वचन सुनकर वशिष्ठ जी उसे समझाकर अरुंधति के साथ आश्रम में ले गए। वे गर्भ का पालन करती हुई 10वें मास में पुत्र उत्पन्न करती हुई जिस प्रकार अदिति ने विष्णु को उत्पन्न किया था, शक्ति के पुत्र उत्पन्न होने पर पितरीश्वर बड़े प्रसन्न हुए। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। आश्रम के मुनि लोग भी हर्षित हुए। जैसे मेघ जल से सूर्य प्रकट होता है, वैसे ही यह पुत्र भी अदृश्यंती के उत्पन्न हुआ था। शक्ति के पुत्र को देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर उसे समझाने लगे कि अब तुम रो मत, इस पुत्र का पालन कर। शनि पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे अम्ब, मंगलमय भूषणों के बिना तेरा शरीर शोभा को नहीं प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात शोभा वाली नहीं होती है, सो हे माता, तूने आभूषण क्यों त्याग दिए हैं, वह मुझे बता। अदृश्यंती पुत्र के वचन सुनकर कुछ भी नहीं बोली। तब पुत्र ने पूछा कि हे माता, महातेजस्वी मेरे पिता कहाँ है, वह मुझसे कह। ऐसे पुत्र के वचन सुनकर बोली, हे तात, तेरा पिता राक्षसों ने भक्षण कर लिया, ऐसा कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पौत्र के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ तथा आश्रमवासी सभी दुखी हुए। माता के वचन सुनकर कि पिताजी को राक्षसों ने खा लिया, तब तो वह पाराशर नामक पुत्र बोला, हे माता, चराचर सहित तीनों लोग रुद्र का स्वरूप है, सो मैं उनका पूजन करके क्षण मात्र में अपने पिता के आपको दर्शन कराऊंगा। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर माता बोली, तेरा यह वचन सत्य हो, तू शिव का पूजन कर। वशिष्ठ ने कहा कि हे पुत्र, तेरा संकल्प ठीक है, राक्षसों के नाश के लिए सर्वेश्वर शिव का पूजन करो। वशिष्ठ को, अरुंधति को और अपनी माता को प्रणाम करके क्षण मात्र में वह पांचों की एक लिंग शिव मूर्ति बनाकर शिव सूक्त और त्रयंबक सूक्त से पूजन करके तथा शिव संकल्प मंत्र द्वारा पूजन करके यथा विधि अर्घ देकर पराशर बोला, हे भगवान रुद्र, महातेजस्वी मेरे पिता को मैं भाइयों सहित देखना चाहता हूँ। इस प्रकार शिवलिंग को प्रणाम करके हा रुद्र कहकर रोने लगा और गिर पड़ा। उसको दुखी देखकर शंकर जी प्रार्थना से बोले कि हे महाभागे, मुझ में आसक्त रोते हुए उस ब्राह्मण को देखो। वह महादेवी रुद्र में आसक्त तथा लिंगार्चन में तत्पर उसको देखकर रुद्र भगवान से बोली, हे परमेश्वर, इसको वांछित वरदान दो। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मैं इस ब्राह्मण की रक्षा करूंगा, मेरे दर्शन करने योग्य दृष्टि मैं इसको देता हूँ। यह कहकर दिव्य दृष्टि उसको दी, जिसको प्राप्त कर वह ब्रह्मा विष्णु आदि से सेवित भगवान नील लोहित का दर्शन करने लगा। तब तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा, भवानी और नंदी को प्रणाम करके कहने लगा कि मेरे समान देवता दानव आदि कोई भी नहीं है, आज मेरा जीवन सफल है। मेरी रक्षा के लिए बाल चंद्रमा धारण करने वाले शिवजी प्रकट हुए हैं। उसी समय आकाश में स्थित भाइयों के सहित पराशर के पिता का दर्शन किया। सूर्य मंडल के समान विमान में बैठे भाइयों के सहित पिता का दर्शन कर प्रणाम किया और बड़ा प्रसन्न हुआ। तब वृषभध्वज शंकर ने वशिष्ठ पुत्र शक्ति से कहा, हे शक्ति, तुम आनंद के अश्रुओं से युक्त नेत्र से अपने पुत्र को देखो। अरुंधति कल्याणी माता को, भार्या को तथा पिता वशिष्ठ को देखो तथा माता पिता को नमस्कार करो। शंकर की आज्ञा से शक्ति ने माता पिता को प्रणाम किया। शक्ति बोले, हे वत्स, हे पुत्र पराशर, तुमने गर्भ में स्थित मेरी रक्षा की है। मैंने अनुमादिक ऐश्वर्य तेरे मुख को देखकर सब प्राप्त कर लिए। अदृश्यंती, अरुंधति
तथा पिता वशिष्ठ इन सब की रक्षा करो। हे पुत्र, हमारे सब वंश को तुमने तारण कर दिया। पुत्र से लोक को जीतने वाली श्रुति को तुमने चरितार्थ कर दिया। अब तुम शंकर जी से इच्छित वरदान मांगो। मैं भी भाइयों सहित पिता को प्रणाम करके भार्या को देखकर तथा शंकर को प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कहकर प्रणाम कर शक्ति पितृलोक को चले गए। तब महादेव जी भी पराशर पर अनुग्रह करके अंतर ध्यान हो गए। शिव के चले जाने पर महेश्वर को प्रणाम करके मंत्रों के द्वारा राक्षसों को वह पराशर जलाने लगा। मुनियों सहित वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, क्रोध मत कर। राक्षसों ने तुम्हारे पिता का कुछ अपराध नहीं किया। क्रोध मूर्खों का होता है, बुद्धिमान लोग क्रोध नहीं करते। हे तात, कौन किसको मारता है? यश और तप का क्रोध नाश करता है। इससे अनपराधी राक्षसों को नाश मत करो। इनको छोड़ो, क्योंकि साधु क्षमा के समान होते हैं। वशिष्ठ के वाक्य से पराशर ने राक्षसों के मारने वाले यज्ञ को समाप्त किया। वशिष्ठ जी इससे प्रसन्न हुए। इस यज्ञ में ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य जी भी पधारे। वशिष्ठ जी ने इनको अर्घ पाद्य से पूजन कर आसन पर बैठाया। प्रणाम करते को देख मुनि बोले कि हे पराशर, वशिष्ठ के वाक्य से यज्ञ समाप्त कर क्षमा को तुमने धारण किया है। इससे तुम सर्व शास्त्रों को जान जाओगे। हे महाभाग, दूसरा वर यह भी मैं देता हूँ कि तुम पुराण संहिता को रचने वाले होगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति के कर्म में तुम्हारी बुद्धि निर्मल रहेगी। मेरी कृपा से तुम असंदिग्ध रहोगे। फिर भगवान वशिष्ठ बोले, हे तात, महात्मा पुलस्त्य ने जो कहा है वह सब सत्य हो। तब पुलस्त्य और वशिष्ठ के प्रसाद से पराशर ने वैष्णव पुराण की रचना की। छह प्रकार का समस्त अर्थशास्त्र और ज्ञान का संचय इसमें भरा है। 6000 मंत्रों के वेदार्थ से मुक्त पुराण संहिता में चौथा पुराण है। यह मैंने वशिष्ठ के वंश का वर्णन संक्षेप से और शक्ति पुत्र पराशर का प्रभाव तथा वर्णन आप लोगों को सुनाया। आदित्य वंश वर्णन में तंडीकृत शिव सहस्त्र नाम। ऋषि बोले, हे सूत जी, आदित्य वंश का और सोम वंश का हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, अदिति ने कश्यप ऋषि के द्वारा आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। आदित्य की 4 पत्नी हुई। वे संज्ञा, रागी, प्रभा, छाया नाम वाली थी। संज्ञा ने सूर्य के द्वारा मनु को उत्पन्न किया। रागी ने यम, यमुना और रेवत को पैदा किया। प्रभा ने आदित्य के द्वारा प्रभात को पैदा किया। छाया ने सूर्य से सावर्णी, शनि, तप्ती तथा वृष्टि को पैदा किया। छाया अपने पुत्र से भी ज्यादा यम को प्रेम करती थी। मनु ने सहसका और क्रोध में आकर दाहिने पैर से उसे मारा। तब छाया अधिक दुखी हुई और यम का एक पैर खराब हो गया, जिसमें राध रुधिर और कीड़ा पड़ गए। तब उसने गोकर्ण में जाकर हजारों वर्ष शिव की आराधना की। शिव के प्रसाद से उसे पितृलोक का आधिपत्य मिला और शाप से छूट गया। प्रथम मनु से 9 पुत्र पैदा हुए। ये इक्ष्वाकु, नभग, धृष्णु, शर्याति, नारीश्यन, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रिशद्र थे। ईला, ज्येष्ठा, वरिष्ठा ये पुरुषत्व को प्राप्त हुई। ये मनु की पुत्री थी। ईला का नाम सुद्योमन हुआ। मनु यह सुद्योमन नाम का पुत्र सोम वंश की वृद्धि करने वाला हुआ। उत्कल, गए, विनीतास्व नामक इसके पुत्र उत्पन्न हुए। हरिशव से दृष्टावती में बसुमना नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र त्रिधन्वा नाम का हुआ। ब्रह्मा पुत्र तंडी के द्वारा वह शिष्यता को प्राप्त हुआ। ब्रह्म पुत्र तड़ित ने शिव सहस्त्र नाम के द्वारा गाणपत्य पदवी को प्राप्त किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के सहस्त्र नाम को हमारे प्रति वर्णन करो, जिसके द्वारा तंडी गाणपत्य पद को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वह 108 नाम से अधिक
1000 नाम वाला वह स्तोत्र मैं तुम्हें कहता हूँ, सो सुनो। तब सूत जी ने शिव के स्थिर, स्थानु, प्रभु, भानु, प्रवर, वरत, सर्वात्मा, सर्वविख्यात, सहस्त्राक्ष, विशालाक्ष, सोम, नक्षत्र, साधक, चंद्र, शनि, केतु, ग्रह इत्यादि 1108 नाम वाला महापुण्यकारक स्तोत्र सुनाया, जिसको पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, शराब पीने वाला, चोर, गुरु की शैया पर शमन करने वाला, शरणागत घाती, मित्र विश्वास घातक, मात्र हत्यारा, वीर हत्यारा, रूण हत्यारा आदि घोर पापी भी इसका शंकर के आश्रय में रहकर तीनों कालों में 1 वर्ष तक लगातार जप करने पर सब पापों से छूट जाता है। सोम वंश के कथन में धनवा का और ययाति का चरित्र वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, त्रिधनवा ने देव तंडी की कृपा से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर गणपत्य पद को प्राप्त किया। उसका पुत्र त्रय्यारूढ़ नाम वाला हुआ। उसका भी पुत्र सत्यव्रत हुआ, जिसने विदर्भ की भार्या का हरण किया। क्योंकि उसने बिना पाणी ग्रहण मंत्र आदि से उसका हर लिया था, इससे उसके पिता ने उसे त्याग दिया। पिता के द्वारा निकाले जाने पर वह पिता से बोला कि मैं अब कहाँ रहूं? तो पिता ने कहा कि तू चांडालों में जाकर रह। ऐसा कहकर पिता तो जंगल तप हेतु चला गया। वह सत्यव्रत सर्वलोक में त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर बिठाकर यज्ञ कराया और उसे शरीर सहित स्वर्ग भेजा। उसकी भार्या ने हरिश्चंद्र नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसके भी 1 पुत्र हुआ, जिसका नाम रोहित रखा गया। उसी वंश में सगर हुआ। सगर की 2 भार्या थी, प्रभा और भानुमती। प्रभाव के 60,000 पुत्र हुए और दूसरी भानुमती के केवल 1 ही पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस था। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए कपिल मुनि के हंकार से दग्ध होकर मर गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान, उसका पुत्र दिलीप और उसका पुत्र भागीरथ हुआ, जिसने तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया। भागीरथ का पुत्र श्रुत हुआ, उसका नाभाग, नाभाग का अम्बरीश पुत्र हुआ। ये इक्ष्वाकु कुल के ही राजा है। इसी वंश में राजा दीर्घबाहु हुआ। उसका पुत्र दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज और अज का दशरथ पुत्र हुआ। दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। राम के लव और कुश 2 पुत्र हुए। राम ने रावण को मारा और पृथ्वी पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। ये इक्ष्वाकु वंश में होने वाले सभी राजा रुद्र के भक्त थे। सब ही पाशुपत ज्ञान का अध्ययन करके यज्ञ द्वारा शिव को प्रसन्न कर स्वर्गवासी हुए। पुरुरवा नाम का 1 शिव भक्त राजा हुआ, जिसके वंश में नहुष हुआ। नहुष के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम यति, ययाति, संपाति, आयाति, अंधक, विजाति थे। ज्येष्ठ पुत्र यति तो मोक्षार्थी होकर ब्रह्म में लीन हो गया। 5ों में सबसे श्रेष्ठ ययाति था। उसकी देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा वृषवर्मा की पुत्री 2 भार्या थी। यदु और तुर्वसु 2 पुत्र देवयानी के हुए और द्रुह्य, अनु, पुरु 3 शर्मिष्ठा के हुए। शुक्र ने ययाति को स्वर्णमय रथ, दिव्य घोड़ों से युक्त तथा दिव्य बाणों से युक्त 2 तरकस दिए थे, जिनसे ययाति ने 6 महीने के भीतर ही सब पृथ्वी को जीत लिया था। ययाति ने छोटे पुत्र पुरु को राज्याभिषेक करने की तैयारी की। तब ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के मनुष्य कहने लगे कि बड़े पुत्र यदु के होते हुए छोटे पुत्र शुक के दोहित्र देवयानी के पुत्र को क्यों अभिषेक करना चाहते हो? ये सब ब्राह्मण उसे धर्म की बातें समझाने लगे कि हे राजा, तुम धर्म का पालन करो।